नाउ, और भी आ रहे हैं, सो आई कैन जस्ट कीप ऑन एडिंग एज दे कम अलोंग, सो कोई इशू नहीं यार। ओके सर, बाकी लोग जो अभी नए आए हैं प्लीज अपने वेबकैम्स ओपन कर लें इफ यू कैन, एंड सो कैन वी कैन गेट स्टार्टेड। ओके तो गाइस, अच्छा मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शंस अभी सबके नहीं दूंगा, बिकॉज इफ आई यू नो कीप ऑन विद इंट्रोडक्शंस तो यहाँ पे सबका जो है ना वो वहीं पे टाइम खत्म हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू जस्ट डाइव इन टू द स्टफ, राइट? ओके, सो मैं आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन भी शेयर करता हूँ ताकि हम लोग जो है वो चीजें ये कर सकें सही तरीके से। और आप सब लोग जो यहाँ पे अटेंड कर रहे हो ना, आप सब लोगों ने आई मेड श्योर के आप सब लोग ऑलमोस्ट सेम ही मॉड्यूल्स ले रहे होंगे। लाइक आप लोग मे बी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, लेकिन यू आर लाइक ऑन द सेम स्पीड और सेम 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 पेस आप सब लोग जो यहाँ पे अटेंड कर रहे हो। मे बी आप लोगों ने गूगल एड्स चल रहा होगा, लेकिन यू आर ऑल यू नो क्वाइट इन द सेम पेस। ओके सो लेट मी ओपन माई स्क्रीन बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू कपल ऑफ थिंग्स बिफोर आई गो ऑन एंड स्टार्ट द सेशन। ओके सो आई बिलीव मेरी स्क्रीन आ रही होगी आप लोगों के पास। लेट मी नो कोई भी माइक ओपन करेगा, एक दो बंदे मुझे बता दें जल्दी से बिकॉज मैं चैट बॉक्स यहाँ पे बार बार खुलना पड़ेगा मुझे। जी सर, आ आपकी रही है सर, स्क्रीन शो आ हो रही रही है। है। परफेक्ट परफेक्ट ऑसम। सो गाइस, ये जो सेशन है ना, अच्छा मेरी कोशिश होगी कि हम इस सेशन को वीकली रखेंगे। अच्छा ये पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये अटेंड करना ही करना है, लेकिन अगर आप करोगे सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इंशाल्लाह। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग, करोगे तो आपको फायदा है, नहीं करोगे तो नो वन इज गोइंग टू यू नो सेंड यू कपल ऑफ यू नो बार बार रिमाइंडर्स आपको शायद ना आए इसके। ओके सो बेसिकली कपल ऑफ थिंग्स तो मुझे यहाँ पे बतानी है। ये जो सेशन है इसका एक सिर्फ एक ही मकसद है मेजर, वो ये है कि मेरे पास एक्चुअली एक स्टूडेंट आए थे अभी ऑफिस में 3 से 4 दिन पहले, उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है। उस काफी सीनियर नहीं थे, यू नो मिडिल में उनका कोर्स था, और उन्होंने मुझसे बोला कि यार वो क्लासेस भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन उनके कुछ छोटे से ऐसे क्वेश्चंस थे जो आई वुड से मैंने 5 या 10 मिनट में आंसर कर दिए, और ही वाज लाइक कि यार मैं इन 3 4 चीजों की वजह से पूरा 3 महीने तक स्टक रह चुका था, तो अगर मुझे आपसे यू नो ये 2 3 सवाल मुझसे पहले ही आंसर हो जाते तो आई वुड बी वेरी फार अहेड राइट नाउ। सो आई डिसाइडेड कि यार अगर मैं इस सेशंस को अपने स्टूडेंट्स के लिए रखूँ हर हफ्ते, सो मे बी आई कैन नो शेयर सम पॉइंटर्स, हो सकता है कि मैं आप लोगों की कुछ ना कुछ कुछ चीजों में ऐसी हेल्प कर सकूं, मे बी दैट विल यू नो स्पीड अप योर इम्प्लीमेंटेशंस एंड प्रोसेस एंड एवरीथिंग। ऑलराइट, सो बेसिकली इस जो मकसद है इस सेशन का वो ये है कि आई एम श्योर के हम सब लोग जब कोई नई चीज सीखते हैं सो हम कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। लाइक मैं अगर अपनी भी बात करूं, जब मैंने नई नई डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी सो आई वॉज स्टक इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। एसईओ सीखा था, एसईओ में स्टक हो गए थे बहुत सारी चीजों में, लेकिन मेरे पास क्योंकि एज प्रोफेशनल लेवल के लाइक मेंटोर्स नहीं थे, प्रोफेशनल लेवल से मतलब है कि कोई खास बंदा मुझे सिखाने वाला ऐसा सच नहीं था जो मेरे लिए बैठ के मुझे सिखाए, सो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम यू नो टू एक्चुअली लर्न फ्रॉम माई ओन मिस्टेक्स एंड एवरीथिंग। सो आई बिलीव के जो आप लोग इस सेशंस को ले रहे हो, क्लासेस को ले रहे हो, कहीं ना कहीं हो सकता है आप स्टक हो रहे हो, मे बी इन योर इम्प्लीमेंटेशंस, मे बी फेसबुक एड्स में स्टक हो रहे हो, मे बी सेल्स जनरेट करने में मसला हो रहा हो, मे बी डायरेक्शन अभी नहीं मिल रही कि यार मुझे आगे क्या करना चाहिए, मुझे फ्रीलांसिंग में जाना चाहिए, मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, या हो सकता है आपने वेबसाइट्स बनाई है वो रैंक नहीं कर रही है गूगल में, या हो सकता है कि आप एड्स रन कर रहे हो लेकिन वो एड्स आपको सेल्स नहीं उसमें आके दे रही है, तो यू आर स्टक समवेयर, राइट? सो इन सेशंस का मकसद ये है कि आई शुड यू नो आई विल बी इंशाल्लाह हेल्पिंग यू यू नो टू गेट यू अनस्टक यू नो इन इन वाया दीज सेशंस। आपको मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको अनस्टक कर सकूं वाया दीज सेशंस, जो भी अपने सजेशन से या अपने एक्सपीरियंस से, और दैट इज बेसिकली द होल यू नो एजेंडा ऑफ दीज सेशंस। सो एज यू कैन सी हमारे पास काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और हमारे पास आईडीएम पाकिस्तान भी सिर्फ चंद आप समझे कि कुछ मेरे ख्याल 3 या 4 कुछ आई थिंक बैचेस को या 5 बैचेस को मेरे ख्याल भेजा था, एंड वी हैव अबाउट 39 40 पीपल इन दिस क्लास। तो मेरा ये जो ये सेशंस होंगे इट विल इंशाल्लाह यू नो काफी, जब ये और बैचेस को जाएंगे तो स्टूडेंट्स काफी बढ़ जाएंगे। सो व्हाट आई डिसाइडेड वाज कि आप लोग ना ये शीट आप लोग पकड़ रहे हैं, ये मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, इस शीट में करना आप लोगों ने ये होगा, एंड यू कैन कम यू नो टू
आप कंटिन्यूस इन सेशंस में आ सकते हो, लाइक अगर इस वेडनेसडे हो रहा है तो आप अगले वेडनेसडे भी, यानी कि कोई एक बंदा एक सेशन अटेंड कर सकते हो, यू कैन यू नो अटेंड अगेन एंड अगेन इंशाल्लाह। सो आप लोगों ने करना ये कि यार आज की क्लास के बाद, इस सेशन के बाद आप लोगों ने इसको फिल करना है, इस शीट को फिल आउट करना है बिफोर द नेक्स्ट सेशन। मैं इसका आप लोगों को लिंक दे दूंगा। करना आप लोगों ने सिंपल सा ये है कि आप अपना स्टूडेंट, आपने जो भी आपका नेम है वो मेंशन करना है, एलएमएस आईडी, आपने यहाँ पे ईमेल फोन नंबर कुछ नहीं करना, बिकॉज ये जाहिर सी बात है ये सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर होगी, वी डोंट वांट कि आपके ईमेल शेयर हो फिर वो यू नो आपके फोन नंबर शेयर हो। एलएमएस आईडी आप मेंशन करेंगे सो दैट आई कैन बेसिकली ट्रैक यू गाइस इजीली। मुझे पता होगा आपका फोन नंबर क्या, आपका ईमेल क्या है, सो इफ आई वांट टू कॉन्टैक्ट यू, आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। सो एलएमएस आईडी, उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कि आप किस चीज में स्टक हो रहे हो, सो किस तरीके से बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक स्टूडेंट है मिसाल के तौर पे इरफान रमजान, राइट? नाउ व्हाट ही हैज सेड ओवर हियर कि आई हैव क्रिएटेड माय ऑनलाइन स्टोर, प्रोडक्ट्स आर रेडी, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी सेल्स येट। दिस इज अ परफेक्ट आई वुड से एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज यू नो सिचुएशन। तरीके से उन्होंने मुझे बताया कि ये मैंने किया ये मसला है। एंड अगले उसमें व्हाट हैव यू डन येट टू गेट अनस्टक, आपने अभी तक किया क्या है इसको अपने सोल्यूशन, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो अगर यहाँ पे देखो, ऑनलाइन स्टोर इज डन, ऑनलाइन स्टोर बना चुके हुए हैं, प्रोडक्ट्स अपलोड हो चुकी हुई हैं, एड्स भी रन किए हैं, लेकिन एड्स में रिजल्ट्स नहीं आ रहे। नाउ दिस इज समवन आई वुड लव टू हेल्प। क्यों? बिकॉज इस बंदे ने काम भी किया है, ठीक है ना, इम्प्लीमेंटेशन भी करी है, स्टोर भी बना लिया, एड्स भी रन किए हैं, एंड इसको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आई वुड लव टू हेल्प। एंड इसको ज्यादा से ज्यादा टाइम देके कोशिश होगी उसकी सेल्स स्टार्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट इज एक एग्जाम्पल के तौर पर यासर मुस्तफा, ये एलएमएस आईडी हो गया। नाउ आई हैव कंप्लीटेड द ट्रेनिंग बट आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू, अब बंदा क्या करे इसका, राइट? और नेक्स्ट में व्हाट हैव यू डन टू गेट अनस्टक, कंप्लीटेड द ट्रेनिंग। आई मीन अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उनको आइडियाज ही दे सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा कि यार आप एफिलिएट मार्केटिंग में आओ, लेकिन इससे ज्यादा मैं हेल्प नहीं कर सकूंगा, राइट? सो आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू फॉलो एन एग्जाम्पल ऑफ इरफान रमजान, ठीक है? और आपने बताना है कि कोई एक चीज, बिकॉज जैसे बात है टाइम लिमिटेड होगा हमारे मेरे पास, तो कोई एक चीज जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एंड इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, सेल्स नहीं हो रही है, आइडिया नहीं है बिजनेस का मेरे पास, एड्स नहीं रन कर पा रहे, एड्स रन किए हैं लेकिन सेल्स नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना लेट्स सपोज आई डोंट नो मैंने लैंडिंग पेजेस बनाए हैं, उसमें कन्वर्जन्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मैंने वेबसाइट बनाई है लेकिन ट्रैफिक नहीं आ रहा है। These are the questions that I would love to answer. So, am I clear on these things? Let me know. And कोई भी माइक ऊपर गिरे तो दो-तीन बंदा बताए। Yes sir, clear. समझ आ गई कि हमने अपनी problem लिखनी है और उसके साथ हमने क्या उसको solve करने के लिए steps लिए हैं, बोलिए। Perfect. ठीक है जी, तो आप लोगों ने ये, मैं आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ। अच्छा अभी नहीं करेगा बिकॉज अभी तो फिर सब लोग इसी में हो जाएगा, टाइम हमारा खत्म, लेकिन यू नीड टू डू दिस, ठीक है, यू ऑल नीड टू डू दिस। जो लोग सीरियस हैं, करना चाहते हैं, इन सेशंस को अटेंड करना चाहते हैं, प्लीज प्लीज डू दिस। और ये आप लोगों को मैं मैंने भेज दिया है, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लें कोई एक दो लोग जाके कि ये एडिटेबल लिंक है, बिकॉज मेरे हिसाब से तो एडिटेबल है, बिकॉज आई हैव चेक्ड इट ओवर हियर, आई बिलीव ये एडिटेबल होगा, या आई कैन सी, ठीक है एडिटेबल है, ठीक है, यस इट्स एडिटेबल, ठीक, गुड है। नाउ सो दिस इज हाउ इट विल गो ऑन, राइट? सो जैसे जैसे आगे हमारे सेशन चलते रहेंगे ना, तो मैं एक प्रॉब्लम यहाँ से पकड़ूंगा, ठीक है, आप लोगों की जो भी मसला होगा उसको प्रॉपर सोल्यूशन उस बंदे को मैं इंशाल्लाह दूंगा, और फिर उस बंदे को आगे जो है वो नेक्स्ट सेशन में आगे मुझे बताना है कि यार जो मैंने बोला है उस पर उस बंदे ने क्या किया, क्या इम्प्लीमेंटेशन करी, एंड देन उसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एज वी मूव फॉरवर्ड। सो इसको हम यहाँ पे जैसे जैसे आप लोगों के मसले हल होते रहेंगे, ठीक है, उसको हम यहाँ पे मैं डिलीट करता रहूंगा, फिर हुआ तो हमें व्हाट्सएप का मैं ग्रुप ही बना लूंगा अपने साथ, तो दैट विल यू नो कम लेटर ऑन। ओके सो दिस वॉज द थिंग, राइट? ओके सो यहां तक तो हो गया, ये लोग ये चीजें आप लोग कर लीजिएगा क्लास के बाद और सेशन के बाद। नाउ वी कम टू द मेन थिंग, राइट? अब यहाँ पे इस वक्त 38 लोग मौजूद हैं, लेट्स सी के आप लोगों के जो सवाल है, कोई भी एक बंदा, मैं रैंडमली नाम लेता हूँ उस बंदे का, बिकॉज वरना प्रॉब्लम हो जाएगा,
मैं रैंडमली नाम दूंगा, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन रेडी होगा तो आप मुझे बताइएगा यस आई हैव अ क्वेश्चन, और फिर हम उसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है? लेकिन प्लीज मेक श्योर करेगा कि क्वेश्चन जो हो वो अगेन स्पेसिफिक हो, रिलेटेड टू योर इम्प्लीमेंटेशंस, ठीक है? एंड दैट इज प्रीटी मच इट, राइट? तो ये चीजें, ऐसा क्वेश्चन है जिससे हम भी, मैं भी सीख सकूं, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी सीख सकें, जेनेरिक क्वेश्चन कम से कम हो तो इट विल बी अमेजिंग, ठीक है? बाकी शीट अभी ना करें, शीट आराम से कर लीजिएगा, इट विल बी अमेजिंग, ठीक है? आराम से इसको कर लीजिएगा. सो मैं यहाँ पे सी द पार्टिसिपेंट्स ओवर हियर. अच्छा, जो चीज फॉर एग्जाम्पल, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, मुझे जहर सी बात है हर चीज का तो मैं आपको नहीं शायद जवाब दे सकता. सो मैं उसको डायरेक्टली देन एंड देयर बोल दूंगा कि यार इसके बारे में आई विल डिस्कस विद द रिलेवेंट पेन, और फिर हम डिस्कस करके फिर आपको उसका सोल्यूशन देंगे. लेकिन जो चीजें मुझे आती होंगी आई विल डिस्कस, आई यू नो आई विल ट्राई टू गाइड यू प्रॉपरली. आपको यू नो जो चीज नहीं पता होगी उसके बारे में वो करने की कोशिश नहीं करता. ओके सर, सबसे पहले जवाद रजा खान आपका जो है वो वेबकैम ओपन हुआ भी है, और आप यार ये टू पीपल एंटर द मीटिंग. ओके सो आप जो है अपना माइक अनम्यूट करके इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो. आपने छोटा सा इंट्रोडक्शन भी करवा दीजिएगा कि आप कौन से बैच के हैं एंड थिंग्स लाइक दिस. सर मैं बैच 137 से हूँ, और मैं पहले से फ्रीलांसिंग कर रहा था, टॉप रेटेड सेलर था, टॉप रेटेड प्लस सेलर अपवर्क पे. तो मेरा जो कोर्स ज्वाइन करने का मकसद था सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग और मैनेजमेंट सीखना था. मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसको मैंने सर्विसेज दी थी किसी दोस्त के थ्रू, वो ये काम करता था, और उसने क्लाइंट को डायरेक्ट मैसेज कर दिया, वो आउटसोर्स प्रोजेक्ट मैंने किया था. तो क्लाइंट ने भी मुझे कहा, तो मैंने कहा मैं खुद सीख लूँ ताकि अगर मैं इसके अंदर इसकी सर्विस किसे लूँ तो मुझे पता हो. तो मैंने काफी मैंने फ्री कंटेंट भी देखा था, आपका कंटेंट भी देखा था, मुझे लगा कि यार ये वर्थ इट है कोर्स, क्योंकि मेरा साथ मेन मसला ये होता था कि क्यूरीज होती थी मेरे पास, तो वो मुझे क्लियर करना होती थी. तो मैंने सर जितने भी टीचर्स थे ना सबका बहुत ही सर खाया, और बस क्यूरीज का ही मसला था, और सारे टीचर बहुत एक्सलेंट थे अभी तक जिन्होंने पढ़ाया, आपने और सर राशिद ने भी पढ़ाया. तो सर मसला कुछ ऐसे है, अब तो मैं मतलब सारी चीजों का ही बेनिफिट है, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहा हूँ और बाकी चीजें भी कर रहे हैं. अब सीन ये हुआ कि जब मैंने सोशल मीडिया कवर कर लिया, पुराने क्लाइंट को मैं सर्विस दे रहा था, वो सेटिस्फाई था. अच्छा, मैंने कहा जो मेरे पास पुरानी प्रोफाइल है, लेवल 2 लेवल 1 प्रोफाइल थी, फाइवर की, अपवर्क की, टॉप रेटेड प्लस, दो प्रोफाइल्स थी मेरे पास, एक राइजिंग टैलेंट पे भी है. तो मैंने कहा ये पुरानी प्रोफाइल्स पे नहीं सर्विस देता, नहीं पे देता हूँ, ताकि कुछ भी गंद हो, कुछ भी हो, मतलब खराब काम भी हो, बुरा फीडबैक भी आए तो उस पर आए. फिर जब एक बार अपने आप में मतलब हो जाएगा कॉन्फिडेंस के अब ये किसी भी क्लाइंट को परफेक्ट करके आप सर्विस दे सकते हो, तो फिर दे दूंगा मैं ना अपनी जो ओरिजिनल प्रोफाइल्स हैं. तो अच्छा, उसके अंदर फिर सर ने हमें ये कहा था कि भाई आप स्टार्ट करें सब कुछ. सर ने हमें बड़ा बेहतरीन सिखाया. मैंने स्टार्ट किया, क्लाइंट आते तो मुझे लगता लाइक मैं कंफ्यूज हूँ. मैंने सर से डिस्कस किया, मगर वो कोर्स खत्म हो चुका था, ईमेल्स को सर से कॉन्टेक्ट किया, तो सर ने हमें कौन से मॉड्यूल की बात कर रहे हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर. ओके, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो सर्विसेज देते थे वो ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग की देते थे या पेड एड्स? ऑर्गेनिक सर, ऑर्गेनिक. ओके ओके ओके, ठीक. और सर उससे रिगार्डिंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट यानी मेन मेरी सर्विस थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं थी. और जो मैंने नई प्रोफाइल फाइवर की बनाई उस पर मैंने दोनों ऑफर करना चाहिए. तो दोनों के अंदर जो भी क्लाइंट आते थे, अगर कोई सोशल मीडिया मैनेजमेंट से रिगार्डिंग आते थे, वो कहते आप अपनी हबस्पॉट की प्रोफाइल शेयर करो ताकि हमें पता लगे कि आप कितने लाइक पुराने. वो मेरे पास नहीं थी क्योंकि मैं न्यूबी था. और जब मैं उसके पास गया सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिगार्डिंग गया, तो लोग वही कहते थे अपने पुराने पेज का एड्स और पोर्टफोलियो वगैरह सब कुछ दिखाओ, वो भी नहीं था. तो आप लोगों का तो एक प्रोग्राम है, मतलब इंटर्नशिप प्रोग्राम, मतलब वो एंड ऑफ द कोर्स है, अभी नहीं है, ठीक है. तो मैंने कहा यार अब क्या करूँ. मैंने सर से डिस्कस किया, तो सर ने कहा कि आप ना मार्केटर्स आपको मिल जाएंगे, मतलब कि आप लेबर ढूंढो, आप उनके ऊपर आर्किटेक्ट बन के काम करो, ठीक है. मैंने कहा चलें ये भी सही है. मतलब कि आप क्या करो, सोशल मीडिया मार्केटिंग की पहले सर्विस दे रहे हैं ना, आप उनको ढूंढो और उनसे काम करवाओ, अपने प्रोजेक्ट्स करवाओ, आउटसोर्स करवाओ. आप उनको गाइडेंस दो कि जो जो चीजें आपने सीखी है ना, कि इस तरह से पेज होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, इस तरह की ऐड होनी चाहिए, टारगेटिंग ऐसी होती है, वो सारा कुछ आप करो और नीचे काम उनसे करवाओ. लाइक आप उनके ऊपर एक ऐसा बॉस बन के काम करो. तो मेरे पास आउटसोर्सिंग की स्किल अच्छी थी, कम्युनिकेशन की स्किल अच्छी थी. मैंने दो तीन लोगों से, काफी लोगों से कॉन्टेक्ट किया था, इंटरव्यू भी किया था, दो लोगों को मैंने फाइनल किया. उसमें से एक शख्स था, उसके ऊपर काफी अच्छी स्किल्स थी, बट जब भी क्लाइंट का काम आता या तो क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता था, मतलब कि बातचीत से ना वो कहता नहीं यार पोर्टफोलियो इनफ नहीं है, ये सारा इशू आ रहा था. मतलब कि अब वो हमने चीज सीख भी ली, प्रैक्टिस भी कर ली एक लिहाज से, मगर क्लाइंट या तो हमें कहता कि आप पोर्टफोलियो दिखाओ या प्रोफाइल दिखाओ, लाइक अपनी हिस्ट्री दिखाओ, ठीक है, फिर हम आपको काम देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे. तो उस वजह से फिर मैं उसको प्रोसीड ही नहीं कर पाया, वो काम वहीं का वहीं है और वो वहीं का वहीं में स्टक. मेन मसला ये है कि हमने सोशल मीडिया सीख पोर्टफोलियो और इन चीजों का मसला आ रहा है, ट्रेनिंग से रिगार्डिंग, मतलब कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग खुद से नहीं की, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा.
यार आप एक काम करो ना, द पॉइंट इज व्हाट आई शुड डू इन योर, अगर मैं आपकी जगह होता मैं क्या करता, राइट? व्हाट आई वुड डू इज के इंस्टेड के आप पोर्टफोलियो बनाने के लिए कोई क्लाइंट्स को ढूंढो, ठीक है? एंड दिस इज समथिंग दैट आई डिड माई सेल्फ. आपने क्या करना है कि आप अपने लिए एड्स रन करो, राइट? फॉर एग्जाम्पल के आप एज अ सोशल मीडिया मार्केटर अपने आप को पोजिशन करो, क्रिएट योर ओन ब्रांड, क्रिएट योर ओन पर्सनल ब्रांड, राइट? सो अगर मैं यहाँ पे लिख के आपको बताना चाहूँ, आपने क्या करना है, आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाए. अल्टीमेटली दिस इज वॉट यू विल बी डूइंग. अगर अभी नहीं करोगे बाद में तो आपने ये करना ही पड़ेगा. यार ये एडमिट कैसे करना है, करना ही पड़ेगा. सो वॉट यू शुड डू इज जवाब, इन माई ओपिनियन, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, इज के आपने अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ, नहीं कि यू क्रिएट योर ओन फेसबुक पेज, ठीक है ना? आप अपना फेसबुक में पेज बनाए, आप अपना यू नो यू क्रिएट योर ओन वेबसाइट जिसमें यू पोजिशन योर सेल्फ कि हे दिस इज जवाद, अपनी जबरदस्ती तस्वीर खिंचवाएं, ठीक है ना? आपका फोटोजेनिक वैसे ही माशाल्लाह फेस है, अपनी अच्छी सी तस्वीर खिंचवाएं और यू नो पोजिशन योर सेल्फ के दिस इज मी एंड व्हाट आई डू इज आई रन यू नो फेसबुक एड्स, ठीक है? और जस्ट रन कैंपेन्स फॉर योर ओन ब्रांड, किस लिए? टू गेट क्लाइंट्स, राइट? सो आपने क्या करना है, आप एक फनल बनाए जवाब, आप एक फनल बनाए और व्हाट यू शुड डू इज के आप लोकल क्लाइंट्स के काम करते हैं या आप इंटरनेशनल फोकस रखते हैं? सर मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स पे सिर्फ फोकस कर रहा हूँ। मेरी सर्विस होती है वेब डेवलपमेंट, ऑन पेज एसईओ, वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस और शॉपिफाई, किसी भी किस्म की वेबसाइट चाहिए हो, कस्टम हो, कुछ भी हो, और उसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग सिर्फ वेबसाइट से रिगार्डिंग, ये तीन सर्विस मैं देता हूँ। और मेरे पास टीम है कोई 7 से 8 लोगों की और उनसे आउटसोर्स करता हूँ। अगर कोई सीडीए वाले क्लाइंट हो, जैसे एनडीए वाले क्लाइंट हो, तो फिर उनका काम मैं खुद करता हूँ। तो डू दिस यार, आप एक बनाओ एक फनल, ठीक है? एंड दिस इज अ प्रूवन फनल, इट विल वर्क फॉर यू. लाइक अगर आप उसको तरीके से लेके चलोगे ना, व्हाट यू शुड डू इज, मैं ये क्या बता रहा हूँ आपको, आई एम टेलिंग यू टू बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो ओवर हियर, ठीक है? अच्छा पोर्टफोलियो आप क्या बना रहे हो, रनिंग फॉर योर, रनिंग एड्स फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर योर ओन ब्रांड. लाइक आपका कल क्लाइंट को पूछेगा यार तुमने किसी के लिए काम किया, बोलोगे कि यार सी दिस इज, दीज आर द कैंपेन्स दैट आई रैन एंड दीज आर द रिजल्ट्स दैट आई गॉट, हर क्लाइंट आपसे पूछेगा, ठीक है? ओके एंड सर यू शुड हैव दैट, यू शुड हैव दैट डेफिनेटली. अच्छा तो आपने क्या करना है, बिल्ड अ फनल, ओके, क्रिएट फेसबुक एड्स, आप अपने फेसबुक एड्स बनाओ, यू नो हाउ टू मेक फेसबुक एड्स, ठीक है? एंड देन आप बनाए एक लैंडिंग पेज, ठीक है, ऑन वर्डप्रेस यू क्रिएट अ लैंडिंग पेज. नाउ ओवर हियर व्हाट यू शुड डू इज यू शुड गिव 30 मिनट्स, कंसल्टेशन कॉल, ठीक है, कंसल्टेशन सेशन या कॉल रिगार्डिंग जो भी आपकी सर्विस है. लाइक फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट्स फ्री एसईओ कंसल्टेशन कॉल, ठीक है? लाइक सर व्हाट यू आर डूइंग इज के आपके जितने भी एड्स हैं वो रन हो रहे हैं आपके ऑडियंस को, ठीक है, जो आपने सर समीर से सीखा है, एंड देन ऑल ऑफ द पीपल हु आर कमिंग टू योर लैंडिंग पेज, ठीक है, वो लोग आपके लैंडिंग पेज में आके आपसे 30 मिनट्स का फ्री कंसल्टेशन सेशन बुक कराएंगे. यू आर नॉट सेलिंग एनीथिंग ओवर हियर, ठीक है? व्हाट यू आर सर सेइंग के आई विल हेल्प यू टू रैंक योर वेबसाइट ऑन टॉप ऑफ सर्च इंजन एंड आई विल गाइड यू फॉर फ्री फॉर 30 मिनट्स, एंड दिस इज एन ऑफर आई थिंक एवरीवन वुड टेक. इनफैक्ट अगर मुझे भी ऐसी ऑफर नजर आएगी कोई फेसबुक एड्स के बारे में, आई डेफिनेटली टेक इट बिकॉज इट्स फ्री, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, यू आस्क फॉर देयर नेम, ईमेल एंड फोन नंबर, ठीक है? यू आस्क फॉर देयर नेम, ईमेल एंड फोन नंबर, और जब ये आपको अपना नाम, अपना ईमेल, फोन नंबर देंगे, दे विल गो टू द नेक्स्ट पेज व्हिच विल बी द थैंक यू पेज. सबमिट बटन दबाने के बाद यहाँ पे आपने लगाया होगा एक कैलेंडरी का, कैलेंडरी अगर नहीं पता तो आप देख लीजिएगा, कैलेंडरी एक सोल्यूशन है, एक शेड्यूल वंस के नाम से है. दीज आर बेसिकली कॉल बुकिंग सोल्यूशंस, ठीक है? ये फ्री ट्रायल्स भी अवेलेबल है इनके. यहाँ पे क्या आ जाएगा, पूरा कैलेंडर खुल जाएगा उस बंदे के पास, ठीक है, जो यहाँ से अपना फॉर्म सबमिट करके आया है, और जो दिन आपने प्री सेट किए होंगे कि भाई मैं अवेलेबल हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और मैं अवेलेबल हूँ 11 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान, आधे आधे घंटे के स्लॉट्स यहाँ पे दिख जाएंगे. वो कोई भी स्लॉट पकड़ेगा, वो जो बंदा है भाई मुझे थर्सडे वाला दिन समझ आ रहा है 2 बजे, उसने स्लॉट पकड़ा. क्वेश्चंस आपने प्री सेट किए होंगे, क्वेश्चंस आप पहले ही पूछोगे उससे. क्वेश्चंस क्या होंगे, टेल मी अबाउट योर वेबसाइट, टेल मी के अगर एसईओ की सर्विस, एसईओ कंसल्टेशन दे रहे हो,
हाउ ओल्ड इज योर वेबसाइट, कितना कंटेंट आपकी वेबसाइट में, फॉर एग्जांपल आपकी करंट बैकलिंक स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी करंट ऑफ पेज एसईओ स्ट्रेटेजी क्या है, यू नो यू आर आस्किंग क्वेश्चंस. उसके बाद क्या होगा, कॉल आपकी यहाँ पे बुक होगी उस बंदे के साथ, आप उस बंदे से यू नो यहाँ पे जब टाइम होगा, जो भी टाइम होगा उसमें आप कॉल करोगे उसको, ठीक है, एंड देन यू विल प्रोवाइड वैल्यू फॉर द फर्स्ट 20 to 25 minutes. आप उस बंदे को वैल्यू दोगे, उससे क्वेश्चंस जो आपने यहाँ पे पूछे होंगे राइट, उसके बारे में उसको वैल्यू दोगे, उसको बताओगे कि आप किस तरीके से आप उसकी हेल्प कर सकते हो, किस तरीके से वो अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप में रैंक कर सकता है, एंड एट द एंड ऑफ द कॉल जवाब यू विल से कि यू नो सर दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई कैन डू फॉर यू, जो मैंने आपको 25 मिनट में बोला है ना, आई विल इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दैट एंड मच मच मोर फॉर यू फॉर अ फीस ऑफ लेट्स से $500 पर मंथ. राइट, सो आपके यहाँ पे दो काम हो रहे हैं जवाब. नंबर वन, यू आर बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड, ठीक है, यू आर बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड, या जो भी आपकी कंपनी का ब्रांड है, लेकिन पर्सनल ब्रांड्स ऑलवेज सुपरसीड्स कंपनी ब्रांड्स. यू आर बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड एंड एज वेल एज यू आर बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन अ क्लाइंट अप्रोचेस यू, यू विल शो कि यार दिस इज द फनल दैट आई हैव क्रिएटेड, डेली आई एम बुकिंग 10 कॉल्स, डेली आई एम गेटिंग 50 लीड्स. And you know, this is exactly what I'm doing, you know, for our business. And I will do, you know, wonders for your business as well. Right? If I can do this for myself, I can do this. So do it yourself. Okay? So this is something that I had in mind. Okay? Koi question to nahi is baare mein? नहीं सर, इसके बारे में कोई क्वेश्चन तो नहीं है. बाकी ये जो आपका पूरा फनल वाला था ना प्रोसीजर, ये लीड मैग्नेट, ये सब कुछ मुझे काफी अच्छे से समझ आ गया. बस मेन मसला पोर्टफोलियो में आ रहा था और सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी. अभी के लिए सर ये क्यूरी थी, आप बात पूरी से गुड है. पोर्टफोलियो आप खुद अपना बनाओ, ठीक है, अपना से मतलब अपने लिए आप काम करें, अपनी अपनी अपने फेसबुक पेज के लिए. कोई क्लाइंट मिलता है डू इट, लेकिन डू नॉट वेट कि क्लाइंट मुझे मिल नहीं रहा है फिर हम उसका वेट कर रहे हैं. ओके, सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट रेट. ओके, चले गुड. Okay, so Mustafa, I'm a check. आप अपना माइक ओपन करना चाहे तो आप कर सकते हैं. Let me know about yourself a little bit and then we can, you know. Assalam sir. Assalam. कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ मैं आप सुनाए सर. जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक मजे में. सर मैं बैच 125 से हूँ और ए लेवल्स कर रहा हूँ मैं फिलहाल तक के लिए. और आईडी में कुछ मॉड्यूल्स मेरे हो गए हैं, तकरीबन कोई 3 या 4 चल रहे हैं. थर्ड या फोर्थ चल रहा है. और मेरा स्टेप ये है, एक मैंने आइडिया सोचा हुआ था कि एजेंसी क्रिएट करते हैं, जैसे कि अमेजोन वगैरह पाकिस्तान में आ गया तो लाइक इस इंडस्ट्री में बूम होगा कि बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट करना क्लाइंट्स के लिए, इसमें बूम आएगा. तो इसके लिए मैं सोच रहा था कि मैं एजेंसी क्रिएट करूँ. और इस पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इनिशियल स्टेप कौन से मैं लूँ और क्या रिक्वायरमेंट चाहिए मुझे, किस तरीके का मुझे लाइक माइंड सेट चाहिए उसके लिए, वो उसका मुझे सोचता आइडिया चाहिए था. मुस्तफा राइट, ओके. सो मुस्तफा, आपने सबसे पहले तो आप एक काम करो, आप ये सेम क्वेश्चन ना आपने करना है समीर से, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आप करें समीर से, बिकॉज ही हैज हेल्प अ लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स टू यू नो एस्टैब्लिश देयर ओन एजेंसीज. इनफैक्ट आपके ही बैच के हैं अभी मेरे, इनफैक्ट हमारे ऑफिस आए हुए थे 3 स्टूडेंट्स आए हुए थे, अगेन आलियान थे और वो और थे, तो देवर ऑल यू नो द सेम बैच. और उन सब लोगों ने अपनी एक एजेंसी बनाई है माशाल्लाह, दे आर डूइंग अमेजिंग अमेजिंग वर्क फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स. और वो तमाम जितनी भी चीजें उन्होंने डेवलप की वो सर समीर के ही डायरेक्शन से बैक एंड फोर्थ कॉल्स और ईमेल्स के थ्रू और क्लासेस में एंड जो डिस्कशन होते हैं उससे उन्होंने डेवलप करी. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग ऑन फ्रॉम द गेट गो, राइट. सो दिस इज समथिंग जो मैं चाहूंगा आप ये करो, अपने ट्रेनर से इसमें डिस्कस करें. दूसरी चीज आपको जो करनी है, यू शुड डू द सेम थिंग जो मैंने यहाँ पे जवाब को बोली है, ठीक है. आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फर्स्ट रियलाइज कि यार आपको किस चीज की सर्विस देनी है, ठीक है. आपको फेसबुक एड्स की देनी है, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की देनी है, आपको SEO की देनी है, वेब डेवलपमेंट की देनी है. एंड मेरा जो मशवरा आपको होगा या आगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका ये सवाल है, इस यू नो focus on one area and right now the sabse behtareen jo service aap de sakte ho, the sabse I think on demand hai aur rahegi aur khaas taur se ab to bahut badh bhi chuki hai, that is Facebook ads, theek hai. This is something which will always sell. People are crazy
for good Facebook ad experts. People are crazy to hire Facebook ad experts. Okay. And the next best choice would be YouTube ads. Okay. So ye do aisi cheeze hain jis pe I believe aap agar apni agency banaoge sirf isme focus karke. People hire those agencies jo specialize karti hain ek cheez mein. मजे की बात यह है कि आपको आ सब कुछ गया है बिकॉज फेसबुक एड्स के लिए भी आपको आना सब कुछ चाहिए लेकिन सर्विस आपने एक की देनी है. ठीक है, तो आप सबसे पहले जब मुस्तफा सॉरी आप ये डिसाइड करो कि यार मैंने किस चीज पे सर्विस देनी है. मैंने आपको दो बेहतरीन चीजें बताई हैं, फेसबुक एड्स एंड यूट्यूब एड्स, एंड यू नो उसके बाद फिर आपने जो है वो आगे चलना है जो है वो क्लाइंट्स की तरफ. पहले तो अपना यू नो आप अपनी एजेंसी बनाओगे, अपना ब्रांड डेवलप करोगे, एंड देन उसके बाद यू नो यू कैन you know start to approach clients. फिर आपके पास होगा कि आप local approach करते हो यहाँ पे या international आप marketplaces use करते हो जैसे Fiverr, Upwork हो गया. Again I'm a big fan कि आप लोग को local करना चाहिए लेकिन still you can do you know wonders with international as well. ठीक है, okay sir. अच्छा sir, दूसरा मुझे ये जो आपने अपने समझाया कि agency के वो मेरा ये कि मैंने web development में मुझे command मतलब कि है कि मैं web development अच्छी कर लेता हूँ तो इसमें मैं ये चाह रहा था कि मैं वेब डेवलपमेंट SEO और सेकेंडरी रीजन में रखना चाह रहा था कि जो फेसबुक एड हो गया लेकिन अब जो आपने मुझे लाइक सजेस्ट किया वो मैं लाइक उसको फॉलो करूंगा. तो मैं ये चाह रहा था कि मैं लोकल ज़्यादा मैं नहीं जाऊं क्योंकि मुझे काफ़ी लाइक ट्रेनर से ये पता चला है कि लोकल में जो लोग होते हैं वो समझते नहीं हैं टेक्निकल प्रॉब्लम्स वगैरह कि जो जो होती हैं वो इंटरनेशनल में काफ़ी ज़्यादा होते हैं. तो उस पर आप क्या यार अगर हर कोई ये करेगा ठीक है मैंने लोकल में नहीं जाना मैंने लोकल में नहीं जाना तो ये तो आपकी बड़े फायदे की बात है. ठीक है, बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज वेरी यू नो स्कार्स इन पाकिस्तान. इट्स वेरी यू नो आई वुड से कॉम्पिटिशन यहाँ पे होता नहीं क्योंकि यहाँ पे लोग क्यों छोड़ देते हैं यार क्लाइंट्स मुझे पे नहीं करेंगे. ठीक है, क्लाइंट्स को समझ नहीं आनी, क्लाइंट्स का दिमाग नहीं है चीज में, जो कि बिल्कुल लेजिट बातें हैं. ठीक है, आई अग्री विद दिस एज वेल कि आपको यहाँ पे पेमेंट्स की शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी लेकिन there's a huge pool of you know people that you can target in Pakistan. aap ye kaam jo maine bhi yahan pe jawad ko bataya hai yahi kaam agar aap misal ke taur pe us market mein karne jaoge na you're going to have to spend a lot of money. magar yahi kaam agar aap pakistan mein karoge you know you build a funnel you run ads it's so cheap yaar it's so cheap to run ads on facebook ki aapke paas aapko clients ke liye kabhi pareshani nahi hogi. you are just constantly running ads on facebook. aapke paas din ki 50-100 leads aa rahi hongi. you are just calling them converting them into clients. 10 kharab client aayenge na koi issue nahi hai. do to acche honge, do ya teen clients acche honge. kharab to client koi bhi nahi hota lekin problems hoti hain har country ki. so i would say ki local ko isliye main wo nahi karna chahiye. baki of course international aap jaoge to aapke liye aasaniyan bahut hain, aapko payments ki taraf se issue nahi hoga lekin fir wo yahi ki competition is something that we have to manage. theek hai, ठीक है सर. मुझे इस आइडिया में काफी सारी चीजें समझ में आ गई. दूसरा मुझे मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने ईमेल में भी आपसे पूछा था कि मुझे ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करना है. तो अब जिस तरह पाकिस्तान में वैसे ही दराज एक चल रहा है और अमेजोन भी अभी आ रहा है तो इस तरह काफी सारे आ रहे हैं तो प्रोडक्ट से रिलेटेड तो मतलब की काफी सारे चल रहे हैं तो मैं सर्विस से रिलेटेड कुछ बनाना चाह रहा था. तो उस पर सर मुझे सर्विसेज पर रहना चाहिए या दोनों रखने चाहिए, प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों रखने चाहिए इस पे? एग्जाम्पल दें सर्विस की. सर्विस की सर किसी को अगर लाइक नॉर्मल अगर कुरियर की चाहिए वो कुरियर की सर्विस ले सकता है और कोई भी सर्विस एनीथिंग मतलब कि कुछ भी सर्विस हो यार वैरायटीज ऑफ सर्विसेज हो बोथ बोथ विल वर्क एज़ लॉन्ग एज़ यू नो एज़ लॉन्ग एज़ द सर्विस इज गुड एज़ लॉन्ग एज़ द प्रोडक्ट इज गुड एज़ लॉन्ग एज़ यू आर मार्केटिंग इट द राइट वे बोथ विल डू वंडर्स. ठीक है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा ये कहने की है लेकिन इसमें अमल नहीं करना चाहिए कि अगर आपकी भले प्रोडक्ट मीडियोकर भी हो ना यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी की ना हो लेकिन इफ यू आर डूइंग एक्सीलेंट एडवर्टाइजिंग इट विल स्टिल वर्क. लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट एक्सीलेंट है एंड इफ यू आर डूइंग मीडियोकर एडवर्टाइजिंग इट वॉन्ट एवर वर्क. ठीक है, तो फोकस आपने क्या करना है. लेकिन मैं ये इस बात इसमें मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपने प्रोडक्ट मीडियोकर ही रखनी है, बेकार सी रखनी है, प्रोडक्ट जानदार रखनी है. लेकिन मेजर फोकस क्या करना है, आप जो भी करो इट डजंट मैटर, आप सर्विस लॉन्च करें, आप प्रोडक्ट लॉन्च करें, डोंट वरी अबाउट द कॉम्पिटिशन की तराज है, अमेजोन है, कोई इसमें इशू की बात नहीं है. जस्ट मेक श्योर के जब लोग अपना सुबह सुबह फेसबुक खोलें सुबह 9 बजे
ऑफिस जाते ही या गाड़ी में, तो द फर्स्ट एड दे सी शुड बी योर्स एंड यू विल नेवर हैव टू वरी अबाउट सेल्स. ठीक है सर. सर्विसेज में ये था कि सर्विसेज मेरी अपनी नहीं होगी. सर्विस में एक मार्केट प्लेस क्रिएट करूंगा जिसपे लोग अपनी सर्विसेज आकर रजिस्टर कराएंगे, सच एज दराज की तरह. तो वहां पे आप सर्विस सेल कर चुके हो, तो उस तरह की मैं चाह रहा था कि कोई अगर क्रिएट डू इट डू इट डू इट. देखो जस्ट डू इट बिकॉज़ द मार्केट विल टेल यू इफ इट्स अ गुड आइडिया और नॉट. मैं भी नहीं बता सकता आपको, मैं आपको बोल दूंगा कि यार ये अच्छा है ये बुरा है. द मार्केट विल टेल यू. जस्ट क्रिएट द इनफैक्ट सर्विस का अगर आप बना रहे हो तो उसमें तो वैसे ही पैसा कुछ खर्च आपका एसेट्स नहीं होगा बिकॉज यू डोंट हैव टू हैव स्टॉक ऑफ एनीथिंग राइट. सो आपका राइट सो 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 लॉन्च इट राइट. लॉन्च इट एंड सी व्हाट द मार्केट सेज अबाउट योर प्रोडक्ट एंड आईडिया. अगर ज्यादा से क्या होगा नहीं चलेगा ना, यू गेट एक्सपीरियंस. ओके सही. और सर प्रोडक्ट में ये था कि मेरा अपना प्रोडक्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट के रेप्लिका होंगे. तो मैंने सर समीर की लाइक क्लास में सुना था कि रेप्लिका को अगर हम इग्नोर करें, सर्विसेज पे ज्यादा ध्यान दें, या फिर रेप्लिका को इग्नोर किया जाए उसकी जगह कुछ भी किया करें. यार आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे अगर रेप्लिका सेल कर रहे होगे ना. नहीं भी फंस सकते, फंस भी सकते हो फेसबुक एड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो. या सर समीर इज राइट डेफिनेट. तो रेप्लिका को मुझे इग्नोर करना चाहिए क्योंकि फिलहाल तो मुझे अपना लाइक प्रोडक्ट तो है नहीं. यार बिल्कुल रेप्लिका आपको नहीं सेल करना चाहिए बिकॉज अगेन इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू फर्स्ट ऑफ. सेकेंडली के ये है कि मैंने भी बोला ना फेसबुक एड्स की प्रॉब्लम में फंस सकता है बिकॉज दे डोंट यू नो अप्रिशिएट दैट. ठीक है ठीक है मेरा ओके थैंक यू. ओके जी सो वी हैव अस्मा शरीफ फ्रॉम देयर. अस्मा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो द बाय ओपनिंग योर माइक. Asma, are you there? Okay, I believe ke Asma yahan pe nahi maujood. So, ek second. Okay, guys, you know, participants ki list bahut choti ho gayi. Nahi, sorry, window. So, last time, Asma, are you there? Asma Sharif. Okay, so let's move on. I think Asma ke baad ye aapka naam nahi aa raha hai. Webcam aapka samne hai, lekin naam aapka nahi aa raha hai. Agar aap mic khol ke bata dein, shayad aapke samne aa raha ho. Main yahan pe dekhta hu ek minute. मेरे पास ये गैलरी नहीं आ रही है यार. आई एम एक्चुअली यू नो यूज्ड टू टेकिंग वेबिनार्स. ये मीटिंग में जो है वो मैं क्वेश्चन कर लूं अगर जब तक नहीं कोई मिल रहा आपको. बिल्कुल बिल्कुल कर लें कोई इशू नहीं. आपका नाम? साइमा. मेरा नाम साइमा जी. मेरा रिलेटेड ही क्वेश्चन है क्योंकि मैं कन्वर्ट आपका ही फ्री वेबिनार लेकर हुई थी और मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई थी जब आपने अपनी एग्जाम्पल दी थी लेडीज बैग की सेलिंग की. तो मैं इतना मोटिवेट हुई थी कि मैं नेक्स्ट डे ही मार्केट गई जो आपने बताई मुझे कोऑपरेटिव मार्केट. ओके ताकि हाँ तब मैं सर्च करके आई, चीजें पूछ कर आई, सबके कार्ड्स लेकर आई. लेकिन वहाँ मुझे जो प्रॉब्लम हुआ एक तो इन्वेस्टमेंट का था. मुझे ये समझ में नहीं आया कि मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. मुझे थोड़ा इन्वेस्टमेंट का इशू था मेरी तरफ. तो एक तो जो बैग्स लाइक एग्जांपल जो मुझे अच्छे लग रहे थे, एक तो बाद में अब हमें पता चला कि ब्रांडेड स्टफ हमें नहीं भेजना जो रेप्लिका कहलाता है. तो वो बैग्स जो अच्छी क्वालिटी के थे और बैग्स बताए मशहूर ब्रांड्स के थे लाइक 3,000-4,000 इस तरह उनकी प्राइस थी. तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे वो लेने भी चाहिए कि नहीं, उसमें फिर मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन क्या रखूंगी. फिर दूसरा जब मैंने आके जो साइट्स जैसे बेबअप और एक दो और साइट्स हैं जो ये इन्हीं का बिजनेस कर रहे हैं उनकी प्राइसेस मैंने देखी तो वो इसे कम पे ही सेल कर रहे थे. तो मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि इसमें फिर मैं अपना प्रॉफिट और ये सब चीज़ें किस तरह से मैनेज करूँगी. तो अब मेरी वेबसाइट की क्लासेस हो गई हैं, फेसबुक ऐड की भी हमारी क्लासेस हो गई हैं और गूगल ऐड भी तकरीबन हमारा ख़त्म होने वाला है. और स्टिल आई I'm confused और उसी फर्स्ट स्टेप ही मैं हूँ कि मेरे पास अभी फिलहाल कोई प्रोडक्ट नहीं है, कुछ मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, किस तरह से मैं स्टार्ट करूँ. अभी दिखाते हैं आपको रास्ता. अच्छा जी, तो अब आपका इशू ये है कि यू वांट टू स्टार्ट योर ओन लेडीज बैग्स ऑनलाइन स्टोर, एम आई राइट? जी. और क्या कोई और एग्जांपल मुझे दे सकते हैं? मुझे तो मैं नहीं समझ में आ रहा. लेट्स कीप द सेम एग्जांपल. लेट्स कीप द सेम एग्जांपल. अच्छा
हेलो आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे बोला कि यू वेंट टू द होलसेल मार्केट, लेकिन वहां पे आपको जो प्राइसेस नजर आए हैं तो वो प्राइसेस जो आपने ऑनलाइन कंपेयर किए तो उससे कम कीमत में वो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल थे, यही आपने बोला है? जी जी, लाइक वही प्राइस थी अगर जो वो सेल आउट कर रहे थे, अगर मैं उनसे उस प्राइस पे मैं लेती हूँ तो डेफिनेटली मैं अगर उसमें थोड़ा सा भी प्रॉफिट करती हूँ वो उससे हाई चली जाती है। आपको आप कराची में? जी जी मैं कराची में हूँ। कौन सी होलसेल मार्केट गई थी आप? हमें कोऑपरेटिव आपने बताया था ना, जो अलग से एक बिल्डिंग है। नहीं नहीं कोऑपरेटिव मार्केट नहीं, नहीं मैं नाम भूल रही हूँ उसका, अलग एक बिल्डिंग बिल्कुल अलग से बनी है। सेंट्रल मॉल? सेंट्रल मॉल, सेंट्रल मॉल में मैं गई थी। ओके राइट राइट राइट। अच्छा अब आपने देखे सेंट्रल मॉल में अगर आप जाएंगी तो वो एक मेन होलसेल मार्केट है जिसकी ना बैग्स की। अच्छा वहां पे आपको अभी भी अगर आप जाएंगी तो आपको वहां पे जो एक नॉर्मल बैग है ना, जो इम्पोर्टेड बैग होता है, वो आपको मिल जाएगा 800 से 1000 के दरमियान। ऐसा ही है कि नहीं है? इसे ऐसा नहीं है, 800 से 1000 वो अगर थे भी तो वो बहुत ही लो क्वालिटी जैसे नहीं होते उस तरह के थे, मतलब वो मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहे थे तो फिर मैं उसको सेल भी नहीं करना चाहूंगी। जो मुझे समझ आ रहे थे लाइक जो मतलब ब्रांडेड स्टफ था, जो उसकी कॉपी होती है, एक कॉपी लाइक गुची का था या लुई विटों का था या इस तरह के और जो है। नहीं जी, आपने इन चीजों में फोकस नहीं करना कि वो ब्रांड के रेप्लिका है या नहीं है, ठीक है? मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि आपने खास तौर से वो तो लेने ही नहीं है जिन पे अगर एम के लिखा हुआ है, एल वी लिखा हुआ है या सी के लिखा हुआ है, वो आप लेंगी तो आपका अकाउंट जो फेसबुक का पेज है वो भी खत्म हो जाएगा, एड अकाउंट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो वो तो आपने उसपे काम करना ही नहीं है, आपने करना है अनब्रांडेड में काम, ठीक है? यानी कि उसमें कोई भी या तो लोगो नहीं होगा, होगा तो वो बिल्कुल अननोन ब्रांड का लोगो होगा, जैसे कि मिन के आते हैं, मिन मिन के आते हैं, नाम तो खैर मुझे इतना नहीं पता लेकिन दो तीन पता है वो इस तरीके के होते हैं, ठीक है? तो आपने अनब्रांडेड में काम करना है, अनब्रांडेड भी जो बैग्स हैं वो आपको इतने के ही मिलेंगे, ठीक है? और अच्छे बैग्स मिलेंगे, ठीक है? आपने क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ ना, आप अगर यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है इसकी बैग्स की, अगर आप यहाँ पे जाएंगी तो यू विल सी ओवर हियर के ये लोग अपनी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है? ये लोग अपना बनाते हैं फुट बैग्स, इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। अब आप ये देखें साइमा के इनके कोई भी जो बैग्स हैं, आपको कोई ब्रांड नजर आ रहा है एम के का बैग हो या सी के, कुछ भी नहीं है ना? नहीं, ये तो खुद ही एक ब्रांड है तो इनकी तो अपनी प्रोडक्शन है ना। नहीं, आपको तो नहीं पता ना उनकी अपनी प्रोडक्शन है या नहीं है, वो तो मुझे पता है क्योंकि मैं काम किया हुआ, राइट? ना कस्टमर्स को पता है, ठीक है? तो इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। आपने क्या करना है, सी मैं आपको सिर्फ बताने के लिए एग्जांपल खुली है, जैसे आपको ये वाला बैग नजर आ रहा है, ठीक है? ये जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है? अब ये जो बैग है ये आसानी से आपको 700 से 800 का बैग है, ये सेंट्रल मॉल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये लोग मैन्युफैक्चर करने के बाद 1700 का बेच रहे हैं, 1650 का, ठीक है ना? तो ये बैग आपको मिल जाएगा 700-800 का, और आपने 300 रुपए का रखना है फेसबुक एड्स का खर्चा, बाकी आपका इसमें प्रॉफिट होगा और वो आपका कैश ऑन डिलीवरी की जो भी चार्जेस है वो अलग से आप चार्ज करेंगे, वो होंगे। सो आप बड़े आसानी से इसमें काम कर सकती हैं। मैंने देखा सारे के दो तीन फ्लोर में गई हूँ, सारी की मैंने शॉप देखी, मतलब इस तरह के तो मुझे नहीं दिखे मिल रहे। मैं आपको एक काम करता हूँ, आप कोई शॉप का मुझे बता दें, मैं बता देता हूँ, आप रुकें, आपको मैं जो है वो आप जाएं, आप एक काम करिएगा, सेकंड फ्लोर में सना बैग्स एक शॉप है, ठीक है? क्या मैं लिख बता देता हूँ आपको, नाम भी बता देता हूँ उनका। सेकंड फ्लोर में जाएगा, ठीक है? सेकंड फ्लोर में सना बैग्स है, सना बैग्स के नाम से है, जो ओनर है उसके दुकान के उनका नाम जुनैद है, ठीक है?
ठीक है, उनको आप बोल दीजिएगा कि श्वेत के रेफरेंस से आई हूँ, ठीक है, और वो आपको ऐसे ही बैग दिखा देंगे जो कि ऑनलाइन सेल होते हैं, सही है, तो वो इसी किस्म के आपको बैग दिखाएंगे क्योंकि वो खुद भी ऑनलाइन काम करते हैं, उनके भाई भी ऑनलाइन काम करते हैं और उन्होंने मुझसे ही जो है वो चीजें करके उन्होंने अपने एड्स वगैरह रन करते हैं। सो द पॉइंट इज कि आसानी से आपको वही बैग्स मिलेंगे जो आप जो है वो आपको अच्छे बैग्स मिल जाएंगे, और वहां पे अगर आप जाएंगे तो हो सकता है आपको क्रेडिट भी मिल जाए कुछ कुछ अरसे बाद, यानी कि आपको वो यू नो स्टॉक दे देंगे फिर बाद में आपको आप पेमेंट कर देंगे, अभी नहीं क्योंकि उधर से बाद फर्स्ट डेवलप कर, ठीक है जी। ठीक है सर, तो नाइस ऑफ यू। एक और सजेशन लेनी है कि आप क्या मुझे सजेस्ट करते हैं कि मुझे शुरू में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने मतलब इन्वेंट्री उठानी चाहिए, किस तरह मुझे स्टार्ट लेना चाहिए? बहुत कम इन्वेंट्री में आप ज्यादा से 5-6 हजार रुपए से ऊपर से स्टार्ट ना करें, सॉरी 5-6 हजार रुपए से ऊपर से स्टार्ट ना करें। आपने दो चीजों में फोकस करना है साहिबा। नंबर वन, आपने फोकस करना है कि आप ऐसी प्रोडक्ट लाइएगा जो कि ऑनलाइन सूटेबल हो। अगर आप यहाँ पे बैग्स देख रही है ना, तो दीज आर टाइप ऑफ बैग्स ऑनलाइन सेल होते हैं, क्लचेस नहीं बिकेंगे ऑनलाइन, ठीक है जी। इसी तरीके से छोटे जो बैग्स होते हैं वो नहीं बिकेंगे, इस तरीके के लेदर लुक बैग्स जो है ना वो आपने लाने। नंबर वन फोकस आपने इसमें करना है। नंबर टू फोकस, आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है ना वो आप करिएगा फेसबुक एड्स में, ठीक है। आप कोशिश करिएगा कि आप ऐसे एड्स रन करें कि आपकी सेल हो, ठीक है। वहां पे अगर आप फंस रही हैं, आपकी सेल नहीं हो रही है, तो फिर आप दोबारा से इस मेंटोरशिप सेशन में आएगा वेनेसडे वाले दिन, इंशाल्लाह मैं आपको हेल्प करूंगा कि आपने सेल कैसे पे करनी है, ठीक है। पहले आप इन चीजों को सेट कर लें, ठीक है सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस मोटिवेशन अगेन। चले जी, कोई इशू नहीं, थैंक यू। सो उसके बाद कोई अपना माइक ओपन करना चाहता है तो कर ले, मैं यहां पे नाम मुझे नजर नहीं आ रहा किसी तरीके से। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मूसा बताएं, आप पहले आपने खोल लिया था जी। मैं कह रहा था, क्या कहते हैं, मैंने जो है ना फरवरी के एंड में अपने एग्जाम्स की वजह से ना इसको ब्रेक दे दी थी ना क्लासेस को, तो उसके बाद से मैंने मई के मिड में मैंने क्लासेस शुरू करनी है वापस। अच्छा, तो अब जो है ना मुझसे रिकॉर्डिंग लेना जो जरा हो रहा है वो जरा मुश्किल हो रहा है क्योंकि चार पाँच घंटे की एक और वो भी 25-30 साथ और वो भी सिर्फ एक मॉड्यूल की बात है, तो उसके अलावा फिर अलग अलग मॉड्यूल्स की और 2-2 घंटे की 3-3 घंटे की क्लासेस, तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इसमें मैं क्या करूँ क्लासेस का? अच्छा, मेरा ख्याल है आप शुरू में नहीं आए थे, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अच्छा, ये जो सेशंस है ना इसमें आई विल बी डिस्कसिंग मेजरली जो इम्प्लीमेंटेशंस आप कर रहे होंगे या आपके जो कोर्स इम्प्लीमेंट करने के बाद जो प्रॉब्लम्स होंगे, शेड्यूलिंग से रिलेटेड जो हो गई चीजें, रिकॉर्डिंग से, ट्रेनर्स की शेड्यूल से रिलेटेड, तो वो चीजें आप हमारी सपोर्ट टीम से डिस्कस करेगा। लेकिन आपने क्योंकि सवाल कर लिया बता देता हूँ, अब आपको इशू हो रहा है रिकॉर्डिंग अटेंड करने में ना, तो आप एक काम ये कर लें कि आप री इनरोल करवा लीजिए, ठीक है, अपने आपको। अगर आपको ये पॉसिबल लगता है कि आप री इनरोल करवाना चाहें तो वो आप करवा सकते हैं, उसके कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। दूसरा, आप ये काम करो कि आपको If you can, then you should, you know, focus on the recordings. So, उसके लिए time तो फिर आप ही को देना होगा ना मूसा, वो तो आप ही को निकालना पड़ेगा, इसमें तो मैं आपकी help नहीं कर सकूंगा, ये time कहाँ से आप निकालें, ठीक है? चले, thank you. Okay, जी, मोहम्मद काशिफ के नाम से थे जो आपने माइक खोला था, I guess. काशिफ है मोहम्मद जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहम्मद जी, काशिफ इब्राहिम जी, काशिफ भाई। पहली बात तो ये है कि बड़ा ज़बरदस्त अच्छा है, बड़ा सिलसिला शुरू किया है आपने, ताकि जो नए नए जिन्होंने जो न्यूबीज हैं बिल्कुल, और जिन्होंने अभी काम करना भी शुरू नहीं किया या बीच मिड ऑफ द सेशन में है, उनको काफ़ी हेल्प भी होती है, मोटिवेशन भी होती है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं, तो थैंक यू। अच्छा, एक तो ये था कि अभी ये बहन ने सवाल जी अभी एक बहन ने सवाल पूछा था ये बैग्स के हवाले से। एक तो ये था कि मैं मेरी मिसेज जो है वो साथ में काम कर रही हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं हम लोग, उसमें ये था लोकल लेवल के ऊपर, मतलब ये कि अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है कि सर सलीम एरार जो है ना वो अभी ड्रॉप शिपिंग वगैरह करवाएंगे, लेकिन उससे पहले ही हम लोग कुछ काम कर रहे थे, कुछ वेबसाइट वगैरह भी बनाई हुई थी, और उसमें हम कर ये रहे थे कि जी सामान जो था वो हम लोगों ने मुख्तलिफ होलसेलर से बात की हुई थी और उनसे डायरेक्ट हम जो है ना वो सामान जो है वो ड्रॉप शिप करवा देते कर दिए करते थे,
तो ये बैग्स का सिलसिला जो है उसमें मैं क्योंकि आपका मैंने पहले भी एक प्रेजेंटेशन देखी थी, उसमें सक्सेस स्टोरी थी किस तरह से आपने बैग्स के ऊपर काम किया जब मैंने एडमिशन लिया था। तो ये जो आप बता रहे हैं बैग्स का, एक तो ये कि इसका फोन नंबर वगैरह भी अगर मिल जाता तो वो बड़ी हेल्प हो जाती, एक चीज तो ये थी। दूसरी चीज ये थी कि अब मैं चूंकि अब तकरीबन एंड ऑफ बैच 128 के ऊपर हूँ, तो अब ये कि मैंने बहुत सारी जाहिर सी बातें इसमें चीजें की हैं, जिस टीचर की बात सुने आपको लगता है कि उसी में काम करना शुरू कर दें तो बड़ा अच्छा होगा। जब हमने वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट की तो वो बड़ा जबरदस्त लगा, फिर उसके बाद जो SEO स्टार्ट किया, फिर सर समीर की क्लासेस ली तो लगा कि जी वही काम करने लगे, फिर गूगल एड्स किया, फिर जो है वो और इस तरह से करते करते अब जो है एफिलिएट मार्केटिंग पे आ गए तो लग रहा है कि एफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए, ब्लॉगिंग करनी चाहिए। तो अब ये किस तरह से डिसाइड करें, आपका क्या ख्याल है कि क्या किस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए, या फिर जो ट्रेंड चल रहा है जिस तरह आपने कहा कि जी गूगल ये जो यूट्यूब के एड्स हैं या फिर जो है वो दूसरा जो आपने बताया फेसबुक के इस तरफ जाना चाहिए, तो क्या किया जाए, आप क्या मशवरा है? ठीक है, अच्छा पहला तो आपका सवाल था उनका नंबर ना, अच्छा नंबर मैं काशिफ भाई मैं देना मुनासिब इसलिए नहीं समझता क्योंकि अगर मैं सबको यहाँ पे दूंगा तो उनकी भी बेचारे की जिंदगी है, ठीक, तो फिर वो मेरे लिए मसला हो जाएगा। मैंने ये है कि कोई बंदा जो सीरियस हो ना, अगर जैसे आपको चाहिए या कोई वाकई में इसका काम करना चाहते हैं तो आप मुझे एक ईमेल कर दीजिएगा, मैं इस क्लास के बाद आपको इंडिविजुअली नंबर दे दूंगा, ठीक है। मैं ऑन क्लास या लाइव में दूंगा तो फिर वो एक मसला उनके लिए हो जाएगा, यहाँ तक मेरा ख्याल सही है। दूसरी बात आपने मुझसे ये करी है कि आपने जो मॉड्यूल्स लिए हैं उसके बाद ये डिसाइड करना मुश्किल है कि किस चीज में हमें आगे जाना चाहिए और किस चीज में हमें काम करना चाहिए, राइट। सो इसमें डेफिनेटली एक तो बात यही है जो आपने करी है, ऑफकोर्स सी के आप किस चीज में पैशनेट हैं, ठीक है, लेकिन खाली ये नहीं देखिएगा किसी ने पैशनेट है वो चीज डिमांडिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज पर आपने ये भी देखा कि हम ये देखें कि हमारी स्ट्रेंथ किस चीज में। अब आप ये देखें, आई बिलीव के ये चीज तो आपको खुद पता होगी कि यार आपको कौन सी चीज बेहतर लगी है, ठीक है, किस चीज में आपको जाना चाहिए, मे बी एफिलिएट मार्केटिंग, मे बी क्लाइंट्स के लिए काम करना, मे बी आई डोंट नो फ्रीलांसिंग, या फिर हो सकता है ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करना। ये तो आपको खुद पता होगा मुझे किस चीज में शौक है। आपको फेसबुक एड्स का शौक है तो ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करें, ठीक है। अगर आपको SEO का शौक है, ठीक है, ऑर्गेनिक काम करने का शौक है तो एफिलिएट मार्केटिंग में काम करें। जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, फौरन रिजल्ट्स चाहिए, फौरन पैसे कमाना शुरू करने तो वो फिर आपके लिए वही है, ऑनलाइन स्टोर में काम करें, आप ई कॉमर्स में आए, ठीक है। आप फेसबुक एड्स रन करेंगे आपको फौरन रिजल्ट मिलेगा। एफिलिएट में थोड़ा टाइम बाद मिलेगा, महीना दो तीन महीना बाद मिलेगा। तो ये चीजें आप देखें किस चीज में आपको जाना है, लेकिन रिगार्डलेस जिस चीज में भी आप जाएं, एक साल कम से कम उसको दें, उसी के ऊपर काम करें, वही आपका दिन और रात, वही एक चीज हो। एंड बिकॉज जब आप एक चीज स्टार्ट करेंगे तो आपको बेतहाशा जो है मिस्टेक्स आप करेंगे, एंड दैट्स नॉर्मल फॉर एवरीबॉडी। तो दिस इज द प्रोसेस जो आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में जा रहे हो तो आप सब चीजें छोड़ दें, आपने फोकस क्या करना है कि यार मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में काम करना है, एंड एफिलिएट मार्केटिंग के जो चीजें सक्सेसफुल बनाएंगी ना मेरी एफिलिएट साइट को, जो चीजें सक्सेसफुल बनाएंगी मैंने उन चीज में काम करना है। यानी कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में जाएंगे तो आपने क्या करना है, आपने फोकस करना है किस चीज में, डेफिनेटली आपको चीता बनना पड़ेगा SEO का। यार आप एफिलिएट वेबसाइट बनाए तो यार आपने जो है वो बेहतरीन किस्म की जो है वो कीवर्ड रिसर्च करी, आपने जो ना ऐसे कीवर्ड्स टारगेट किए जिनमें यू नो बायर्स सर्च कर रहे हैं उन कीवर्ड्स को, राइट। और ना सिर्फ कीवर्ड रिसर्च बेहतरीन करी बल्कि यू आल्सो यू नो आपने उसको ऐसी SEO किया कि आपकी वेबसाइट टॉप में रैंक कर गई। और यही सेम चीज मैं करता था, लाइक अगर आपको मैं अपनी एग्जाम्पल दूं, जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता था, एक प्रोडक्ट एक वेबसाइट में बनाता, यानी कि एक वेबसाइट में एक प्रोडक्ट प्रमोट करता था, पांच कीवर्ड्स मैक्स टारगेट करता था, एंड देन माय फोकस दिन रात बस उसी वेबसाइट को जो है ना टॉप में रैंक करना, ठीक है। कभी एक महीने में हो गई, कभी डेढ़ महीने में हो गई, ठीक है, एंड देन यू नो दैट्स हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। सो फोकस ऑन वन थिंग फॉर वन ईयर, ठीक है, और फोकस उस चीज में करिएगा जिसमें आपको शौक हो, पैशनेट हो, ठीक है जी, उसमें यू नो इसमें आपकी स्ट्रेंथ्स भी हो और इसमें आपकी यू नो आपकी प्रेफरेंसेस भी हो कि यार मैं पेशेंट आदमी हूँ,
मुझे मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, मैं पेशेंस रखने वाला आदमी हूँ, मैं एफिलिएट में काम करूंगा, मुझे दो महीने बाद भी सेल मिले टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे मैं अगर अपनी एग्जाम्पल बात करूं तो मैं मेरे अंदर इन चीजों में पेशेंस नहीं है, आई वॉन्ट रिजल्ट वेरी वेरी क्विकली, सो दैट इज वाई ऑलवेज गो फॉर एड्स। मैं उन चीजों में जाता हूँ जिसमें मैं आज एड्स रन करके आज ही से रिजल्ट स्टार्ट कर दूं, तो मैं उन चीजों में जाता हूँ। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। और काशिफ साहब जी, जी जी ठीक है, थैंक यू, ठीक है, चल थैंक यू जी। जी एनीवन एल्स? वालेकुम अस्सलाम, योर नेम प्लीज, नाम और आपके, लेकिन वॉइस नहीं आ रही है। मुहित तुफैल बात करें आप, आपकी वॉइस मुझे नहीं आ रही है, किसी और को आ रही है इनकी वॉइस? नो सर। मुहित आपकी वॉइस बहुत हल्की आ रही है, जैसे बहुत दूर कहीं माइक रखा हुआ है आपका। बहुत हल्की आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही, आप चले बोले तो सवाल। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ आप सही है, गुड, सही है, आप बता। सर मैं सर बैच 129 से, मोहित फल मेरा नाम है। और सर मेरा जो IDM सर बेसिकली ज्वाइन करने का मकसद दो पर्पस थे सर। नंबर वन, सबसे पहले सर मैं बातें करना चाहूँगा सर, माशाल्लाह जितने भी सर हमारे जो ट्रेनर जो ट्यूटर जो टीचर्स हमारे रहे हैं सर, वंडरफुल, बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा है। सबसे सर जो अच्छा हमें पढ़ाया है सर, वो हामिद ज़ुल्फ़िकार सर ने पढ़ाया है सर, वो कमाल के पढ़ाया सर। मतलब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, मतलब कि मुझे भी सर पढ़ते पढ़ते अब देखिए 40 साल के मैं भी हो गया हूँ, लेकिन सर जो नॉलेज है, जो सर कमाल की डिलीवरी उनके पास है, जैसे वो घोल के पिला देते हैं सर, ये बहुत कम सर, ये तो उनकी ना अपने अपने सब्जेक्ट, मैं कहूँगा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो। देखो होता ना बंदे को अपने सब्जेक्ट के ऊपर पूरी तरह कमांड होती है, कोई भी क्वेश्चन कर लें कहीं से पूछ लें, उनको ये पता कि यार ये बंदा कहाँ से बात कर रहा है और उसका मैंने क्या आंसर करना है। सर वंडरफुल, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया। सर मेरा क्वेश्चन सर ये है सर, मैं सर एक सर मैं बैंक में जॉब करता हूँ MCB में, साथ में सर मैं एक छोटा सा स्कूल भी रन कर रहा हूँ, इसके अलावा सर मेरा एक मोटरसाइकिलों का शोरूम भी है सर। मैंने अपने सर में दो स्टोर, तीन स्टोर बनाए हुए हैं सर, एक नंबर मैंने बनाया हुआ सर नंबर वन द्रास के ऊपर, और सर दो मेरे स्टोर अमेजोन पे हैं सर UK मार्केट के ऊपर। तो सर मेरा IDM ज्वाइन करने का पर्पज़ ये था कि सर मैं डिजी स्किल्स को ऑनलाइन स्टोर के ऊपर अप्लाई करूं और फिर देखूं कि उसके ऊपर क्या रिजल्ट आ रहे हैं। अभी तक डिजी स्किल्स, जैसे IDM की जो स्किल्स हैं, वेबसाइट क्रिएशन, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इसको सर मैं इम्प्लीमेंट करना चाह रहा था अपने अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर सर, क्योंकि मेरा सर शेड्यूल काफी काफी बिजी है, मैं सैलरी पर्सन भी हूँ, बिजनेसमैन भी हूँ, और साथ में सर मैंने ऑनलाइन काम भी शुरू किया हुआ है सर। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपनी वेबसाइट को खुद बनाऊं, बना के अपना फेसबुक एड चलाऊं या उसको मैं फिर इम्प्लीमेंट करूं गूगल एड्स के थ्रू। तो सर आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे मेरे लिए इस सूरत हाल में, मेरे लिए बेस्ट क्या है, IDM मेरे लिए क्या कर सकता है, और मैं IDM को कैसे यूज कर सकता हूँ, कैसे मैं इन सारी डिजी स्किल्स को अपने ऑनलाइन स्टोर स्पेशली फॉर Amazon फॉर UK मार्केट, कैसे मैं इसको इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकता हूँ फॉर गेटिंग अ क्विक सेल। जैसे अभी ये बता रहे थे काशिफ इब्राहिम साहब को कि आपका पर्पस क्या है कि अगर आपने क्विक सेल लेंगे तो आप फेसबुक ऐड कर ले, मेरे लिए सर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, और सर मैं कैसे IDM से इसको सर मैं लेके चल सकता हूँ। तो ये कांड भी थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। ओके, अब देखें आपने ये सवाल पूछा है कि आपका ऑनलाइन स्टोर भी रन हो रहा है, मतलब आप Amazon में और दराज में भी, तो आपका मकसद ये है कि जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इंस्टेड कि आप जो है वो Amazon में या आप जो भी दूसरा आपने बोला दराज में, आप इनके ऊपर रिलाई करके अपनी सेल्स जनरेट करें, यू वांट टू जनरेट सेल्स योरसेल्फ वाया फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स, राइट? सो यही सवाल है आपका, है ना? जी यही सवाल, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो यही काम करना है ना कि यू नीड टू बिल्ड योर ओन ऑनलाइन स्टोर, ठीक है ना? आप सबसे पहले तो अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएं जो हामिद से आपने सीखा है। सो सबसे पहले तो आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना है, ठीक है? ऑनलाइन स्टोर जब आप बना लें, उसके बाद आपने उनकी भी क्लासेस ली होंगी आई बिलीव सर समीर सलीम की, या उनकी क्लासेस आपने मिस कर दी है? सर ली है जी। सर समीर साहब, सर मैं छोटी सी बात के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि उनको समझने के लिए 10 साल चाहिए सर, फुल ऑफ नॉलेज है, मतलब फुल ऑफ उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस। देखिए सर उनकी जो डिलीवरी का जो स्टाइल है ना, कि नॉलेज डिलीवरी का जो स्टाइल है, वो मे भी कुछ बंदे पिक करते हैं कुछ नहीं करते, लेकिन वो कोशिश तो करते हैं डिलीवर करने की। सर जो सबसे बेस्ट हमारे पास रहे हैं वो हामिद ज़ुल्फ़िकार साहब, क्या बात है सर।
ओके चले, अब इसमें इशू मैं समझ गया हूँ आपका कि आपने देखिए ऑनलाइन स्टोर बनाना है, तो पहले तो आप ये काम करें कि आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएं। उसके बाद करना आपने वही है मुईन साहब कि आपने अपने ऑनलाइन स्टोर में एड्स रन करना, ठीक है? यानी कि आप, अब ये मुझे नहीं पता कि आपकी प्रोडक्ट्स कौन सी है, मुझे एग्जांपल देंगे? सर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इसमें कंप्यूटर एक्सेसरीज भी हैं, मोबाइल एक्सेसरीज भी हैं, कार की नीचे भी हैं, इसमें शामिल हैं। और सर मतलब कि अगर द्रास की बात करूँ तो सर इसमें लेडीज़ गारमेंट ज़्यादा है, लेडीज़ की जो ऐसे मेकअप में कुछ चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन सर मेरा फोकस जो है ना वो अमेजोन यूके मार्केट के ऊपर है, क्योंकि मेरा सर वहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा वहाँ पे लगी भी हुई है, चल भी रही है सर। मैं दो तीन प्रोडक्ट्स उसमें और भी लॉन्च करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं दो तीन प्रोडक्ट्स और लॉन्च करूँ तो बिजी स्किल्स मेरे साथ हों। आपकी जो प्रोडक्ट्स अभी आपने मुझे नाम दिया है, आपने बोला है कि कार एक्सेसरीज आपने बोली है, इसी तरीके से आपने बोला है कि और भी भूल गया मैं, तो ये कार एक्सेसरीज वगैरह जो, मोबाइल्स और कंप्यूटर, सॉरी मोबाइल्स एंड कंप्यूटर एक्सेसरीज आती है। अच्छा मोबाइल एक्सेसरीज की बात कर रहे हैं या मोबाइल पार्ट्स की बात कर रहे हैं? सर मोबाइल एक्सेसरीज यानी कि हेडफोन्स और ये तमाम चीजें, हेडफोन्स हो गए और सर केसेस, केसेस आईफोन 12 केसेस भी आ जाते हैं सर, उसको उसके पाउच भी आ जाते हैं, सारा कुछ उसमें आ जाता है। ठीक है, तो अब आपने क्या काम करना है, देखें व्हाट आई वुड बिलीव जो आपके लिए बहुत जबरदस्त काम करेगा। लाइक मेरा एक क्लाइंट होता था बल्कि उसका काम यही था कि वो बंदा जो है उसका ये मोबाइल फोन्स की पार्ट्स एंड एक्सेसरीज का उसका काम था, एंड आई यूज्ड टू डू हिज एडवर्टाइजिंग बैक। So, वो बंदा एक दिन में हमारी सेल्स होती थी $15,000 से अबव एक पर डे की। अच्छा अब हम क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ उस बंदे के लिए वी जस्ट यूज टू रन गूगल यू नो शॉपिंग एड्स, ठीक है? अच्छा गूगल शॉपिंग एड्स क्या है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, मैंने इसलिए आपकी प्रोडक्ट्स पूछी हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स आपने मुझे बताई आईफोन 12 केसेस, राइट, इसी तरीके से आईफोन 11 केसेस, जो भी आईफोन के होते हैं ब्रांड्स, उनके जो है, अब पीपल आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर दीज थिंग्स ऑन गूगल। अगर आप यूके की बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए इन माय ओपिनियन यू शुड डेफिनेटली डेफिनेटली ट्राई गूगल शॉपिंग एप्स। इसके लिए आपको कहाँ से हेल्प मिलेगी, यू शुड यू नो गो थ्रू साइंस लेक्चर्स। गूगल एड्स अगर आपका मॉड्यूल अगर हो चुका हुआ है अभी, तो साइम आपको सिखाएंगे कि कैसे गूगल के शॉपिंग एड्स रन करना है, वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है? इंस्टेंट फेसबुक एड्स से भी ज्यादा आपने गूगल शॉपिंग एड्स में काम करना है, ठीक है? और आपने सर, करना यही है। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर मैं खुद से करूं तो उसके लिए सर बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। सर मेरे पास हार्डली 2 से 3 घंटे बचते हैं जस्ट इसको मैं सर ये अपने ऑनलाइन काम को देता हूं। इसके अलावा सर मेरे पास 24 घंटों में 6 घंटे सोने के, बाकी मैं बिजी हूं। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि आईडीएम से मुझे कोई सपोर्ट मिल सकती है कि सर मैं गूगल एड्स को रन कर सकूं, किस तरह से मैं इसको यूज कर सकता हूं प्लेटफॉर्म को, अगर मैं ऐसे यहां पे। हाँ देखें, अब इसमें आप साइम से ही बात करें, लाइक पर्सनली आप चाहते हैं कि आपके लिए एड्स रन किए जाएं, ये आप चाह रहे एज अ सर्विस? यस यस बिल्कुल सर। अच्छा ये काम हम ऑफिशियली तो वैसे तो नहीं करते, लेकिन अगर साइम से आप बात करें, मे बी ही कैन यू नो टेक ऑन एज अ क्लाइंट। आप साइम से बात करके कर सकते हैं कि हम आपसे ये सर्विस करवाना चाहते हैं, या इसके अलावा कोई अगर आईटीएम पाकिस्तान का स्टूडेंट जो इस क्लास में मौजूद है, अगर वो कोई मुईन तुफैल साहब की यू नो उनके लिए काम करना चाहता है, तो वो उनको आप कांटेक्ट कर सकता है। तो कोई करना चाहेगा तो मुझे कांटेक्ट कर ले, मैं मुईन साहब का नंबर दे दूंगा या उनका ईमेल दे दूंगा। बाकी आप साइम से रब्ता कर लीजिएगा मुईन साहब, वो आपको आपके लिए काम भी कर देंगे। ही कैन डू दिस, राइट सर? ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया सर। आपने फोकस थोड़ी सी सर, एक सर मुझे अपने टिप्स बता दी कि सर गूगल शॉपिंग एड पे आप काम करें, इसके अलावा सर सर वजह यह है सर, मैं असल में सर मेरे साथ एक बड़ा इंसिडेंट हुआ। सर मुझे एक सर क्लाइंट था, सर मुझे मिला हुआ था यूके मार्केट के लिए, तो हमने उस पर तकरीबन ऑलमोस्ट 4-5 माह में हमारा 15,000 से 20,000 pounds लग गए, और मैंने प्रोडक्ट रैंक करते करते वही अराउंड नंबर 4 फर्स्ट पेज पे नंबर 4 पे आ गए।
तो इसमें मीन वाइल 5 महीनों में सर एक नया सेलर आया, वो नया सेलर आया उसने, क्योंकि मैं पीपीसी पे काम कर रहा था, पीपीसी पेपर क्लिक पे काम कर रहा था, पेपर क्लिक के ऊपर हमारे पीपीसी के ऊपर 15,000 से 20,000 pounds लग गए, स्टिल वो यार और नंबर 4 पोजिशन, ऑर्गेनिक ऑर्डर भी उसमें आ रहे थे, पीपीसी के ऑर्डर भी उसमें आ, लेकिन अमेजिंग मेरे लिए था कि एक नया सेलर आया, नए सेलर ने 1 रुपया भी पीपीसी के ऊपर स्पेंड नहीं किया और वो बड़े आराम से आके नंबर 2 पे बैठ गया। अब मैंने किसकी बात, गूगल की बात कर रहे हैं सर? मैं ये अमेजोन की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अमेजोन, ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट अमेजोन यूके मार्केट। सर एक बंदा नया सेलर आया और नया सेलर उसने 1 रुपया भी पीपीसी के ऊपर स्पेंड नहीं किया और बड़े आराम से उसने मुझे क्रॉस किया, फिर नंबर 3 को क्रॉस किया, फिर नंबर 2, तो स्टिल ही इज नंबर 2। सर मैं ये जानने से बड़ा हैरान हुआ कि कैसे वो बंदा रैंक कर रहा है, कैसे वो अपनी स्केल को जनरेट करके वो नंबर 2 पे आ गया। सर मेरे लिए बड़ा अमेजिंग था। तो सर मैंने जब अपने दाएं बाएं थोड़ा सा अगर सर्च आउट किया तो मुझे ये पता चला कि वो थ्रू गूगल एड्स और थ्रू फेसबुक एड्स डीजी स्किल्स को यूज करके तो वो नंबर 2 पे है विदाउट यूजिंग सिंगल सेंट ऑन स्पेंडिंग ऑन पीपीसी। देखिए अब इसमें आपने, आप काम करते हैं अमेजोन में, मैंने पर्सनली कभी भी अमेजोन में काम नहीं किया, राइट? लेकिन अमेजोन का अपना एक एल्गोरिथम है, राइट? जितने ज्यादा आपको बेहतर पता होगा, पॉजिटिव रिव्यूज होंगे, जितने ज्यादा यू नो आपके पास 5-star रिव्यूज होंगे उतनी ज्यादा आपकी रैंकिंग होगी, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, राइट? सो अब उसने ऑर्गेनिकली ये किया है, फेसबुक एड्स की हेल्प से किया है, गूगल एड्स की हेल्प से किया है, ये तो ये आपका, आपको कैसे पता होगा इस बार वो कैसे अपनी सेल्स जनरेट कर रहा है आउटसाइड ऑफ अमेज़न, या ट्रैफिक कैसे ला रहा है अपनी गीत, इजंट इट? सर दो ही वे सर हो सकते हैं। सर मैंने अपने मेंटोर से भी सर इसके बारे में पूछा था, जिससे सर मैं ट्रेनिंग ले रहा था अमेज़न की भी, तो सर वो मुझे बता रहे थे कि या तो गिव अवेज करके वो कर सकता है नंबर 1 इज, लेकिन अभी गिव अवेज को सर वो अमेज़न वाले अभी लाइक नहीं करते, बल्कि उसको वो पकड़ लेते हैं कि आप ये कैसे कर रहे हैं, पॉलिसी की वायलेशन में आ रहा है। नंबर 2 सर उसने कहा डिजी स्किल्स ही है, इसके अलावा तीसरा रास्ता कोई नहीं है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, मैंने आपको शुरू में भी ये बोली कि इट विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल। जो आपने आपको सवाल था ना, वो यही है कि आप अमेजोन में भी काम करें, जबरदस्त काम करें, आप दराज में भी करें, हर जगह करें, लेकिन आप हमेशा सेल्फ सस्टेनेबल होने चाहिए। लाइक खुदा ना खास्ता, लाइक आई हैव सीन दिस पर्सनली, मोहित साहब मैनेज, अल्लाह करे कभी भी किसी के साथ भी ऐसा ना हो, आई हैव सीन दिस पर्सनली, क्योंकि मैंने क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है, उनका मेजर जो सेल्स थी 60-70% वो ईबे से आ रही थी, या मिसाल अगर अमेजोन से आ रही थी, किसी भी वजह से, मिसाल है कोई नया कॉम्पिटिटर आया जिस तरीके से आपने बोला, या खुदा ना खास्ता उनका ईबे का अकाउंट ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, कोई भी वायोलेशन से हो गई, यू नो ऑल द सेल्स टैंक, ठीक है? बिकॉज वो आप की चीज नहीं है ना, आई मीन यू आर एक्चुअली यू नो रिलाइंग ऑन समवन एल्स। लेकिन अगर आपका अपना ऑनलाइन स्टोर होता है ना, आपका अपना ई कॉमर्स का ब्रांड होता है, एंड यू आर एक्चुअली जनरेटिंग सेल्स योरसेल्फ फ्रॉम फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, गूगल शॉपिंग एड्स एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स, यूट्यूब एड्स, तो देयर इज नथिंग दैट कैन टेक यू डाउन, देयर इज नो वन दैट कैन टेक यू डाउन। तो आपका हमेशा जो आपका जो मकसद है सवाल पूछने का, वो भी यही था आई एम श्योर, कि आप खुद सेल्फ रिलायंट बने अपनी सेल्स के लिए, रादर देन कि खाली हम अमेज़न दराज के ऊपर काम करें। ठीक है, तो उसके लिए ये चीजें आपने करनी है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपने जो है ना इस चीज में फोकस करना है गूगल शॉपिंग एड्स में, ठीक है? और आपने फिर ऑर्गेनिक भी आपने फोकस करना है एसईओ में, अगर आपकी कीवर्ड, अगर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें सर्चेज हैं, मौजूद हैं, तो फोकस ऑन एसईओ एंड गूगल शॉपिंग एड्स, ठीक है? राइट सर जी, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम, थैंक यू जी। अच्छा रिजवान और रुकजई, आप ना माइक ओपन कर लें इफ यू कैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मतलब ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। सर मैं पहले से ही, जब मैं आया था इस फील्ड में, तो पहले मैंने फेसबुक एड पे काम किया, ठीक है सर? तो उसमें जब मुझे पता चला कि मैं फ्री में कुछ मतलब यूट्यूब से सीख रहा था, फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होगा। मैंने आपका ऐड पहले भी देखा था सर, लेकिन सर फिर मैंने ज्वाइन किया सर। अभी माशाल्लाह मेरे जो गिग है वो level 1 से लेकर पे रैंक भी हो गया और क्लाइंट्स भी आ रहे हैं फेसबुक के। लेकिन सर मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ में है कि मुझे, मैं कुछ क्लाइंट्स को रिजल्ट नहीं दे पा रहा, तो सर उसके लिए क्या स्ट्रेटजी मैं अपनाऊं ऐसे?
जिससे उनकी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाए और मेरे साथ वो जो क्लाइंट है वो परमानेंट बेस पे काम करने चाहे। इट्स अ मस्ट थिंग यार, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये प्रॉब्लम जो है ना, ये हर किसी को फेस होती है, एंड इट्स अ गुड प्रॉब्लम बिकॉज ये आपको मजबूर करती है ग्रो करने में। जब आप क्लाइंट को खुदा ना खासा अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाते ना, तो दैट इज समथिंग दैट यू नो प्रेशर्स यू टू एक्चुअली ग्रो एंड यू नो कीप अप विद द यू नो सर्विसेज। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप सर्विसेज किस चीज की दे रहे हैं? मैं सर्विसेज सर अमेज़न की भी दे रहा था, अभी भी दे रहा हूं, लेकिन सर मैं अभी ज्यादातर मेरा जो पैशन है वो फेसबुक का है और मैं चाह रहा हूं कि मैं गूगल एड्स को भी साथ शामिल कर दूं। ओके, फेसबुक में वही मैं पूछूंगा दोबारा, ऑर्गेनिक या पेड एड्स? पेड एड्स बता। ओके, तो अब देखो आपने तो अब काम क्या करना है, यही करना है कि आपने अपनी जो भी सर्विसेज हैं, जैसे आप अगर बात कर रहे हो कि आप फेसबुक एड्स की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, और आपने बात करी कि आप गूगल एड्स की सर्विसेज भी देना चाहते हो और आप अमेजोन भी आ रहे हैं या अमेजोन की सर्विसेज भी देते हैं, सो यू जस्ट नीड टू यू नो बी अ आई वुड से रेगुलर स्टूडेंट ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, यानी कि आपने आपका उड़ना बिछोना होना चाहिए ये चीज है, फेसबुक एड्स और गूगल एड्स और अमेजोन, अगर आप ये सर्विसेज दे रहे हैं, राइट, बिकॉज आपकी नंबर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पानी होनी चाहिए, नंबर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए टू प्रोवाइड फिनोमिनल रिजल्ट्स टू योर क्लाइंट्स, राइट। लाइक अगर आपको मिसाल दे रहा हूँ, $40 का काम दे रहे हैं, जब उनको आप रिपोर्ट देंगे दे शुड फील के यार मुझे $100 की वैल्यू मिली है, मुझे ये बंदा 40 में इंतहाई सस्ता है, राइट। तो वो उसी वक्त हो सकता है कि वेन यू हैव you know your strengths your concepts are you know you're strong aur again main wahi bolunga dobara jo maine sabse pehle jawab se bhi bola tha sabse pehle ke it's very important ke aap agar jo bhi service de rahe ho uski aapke paas hands on practice honi chahiye, theek hai। ab hands on practice ke liye aapke paas zaruri nahi hai ke clients ho, thoda paisa aapko khud kharch karna padega agar facebook ads ki baat kar rahe ho to run ads for your own self, ठीक है, आप खुद जो है वो एड्स रन करो और अपने ही आप गोल्स बनाओ। मिसाल के तौर पे आपने आज एड रन किए, आपने ₹200 के एड रन की एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और आपको एड में जो है वो लेट्स सपोज आज ₹200 में आपको आई डोंट नो 10 लीड्स मिली, ठीक है, सो यू नो सी उसको एनालाइज करो कि यार ये जो 10 लीड्स मुझे मिली है तो मैं इनको कैसे बेहतर बना सकता हूँ। बेहतर से मतलब ये है कि कल जब आप ₹200 के एड्स रन करो तो यू शुड बी गेटिंग 15 लीड्स। अभी आप कैसे करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रिएटिव्स एडिट करने हैं, एडजस्ट करने हैं, आपने हो सकता है अच्छे क्रिएटिव्स नहीं बनाए, आपने हो सकता है स्प्लिट टेस्टिंग नहीं करी है, आपके हो सकता है लैंडिंग पेजेस पे हेडलाइन सही नहीं हुई है। यू जस्ट नीड टू बी कॉन्स्टेंटली लर्निंग दीज थिंग्स, ठीक है, एंड देन only फिर आप जो है ना वो काम कर पाओगे जबरदस्त तरीके से। एंड दिस इज अगेन आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, दिस इज समथिंग जो कि हर बंदे को फेस होती है, जब उसके पास क्लाइंट्स आना शुरू होते हैं उसको लगता है कि यार मैं अच्छा डिलीवर नहीं कर पा रहा या मैं उस लेवल का डिलीवर नहीं कर पा रहा। एंड एक तो वो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यार यू नो खैर हो गई मेरे पास पैसे तो आ गए ना क्लाइंट्स के, और एक वो होते हैं जिनको परेशानी होती है कि यार मुझे यू नो डिलीवर करना है, एंड यू आर दैट टाइप ऑफ अ गाय, एंड यू नो this is just going to improve you further, aapne bas you know just you need keep on learning, like for example ek example leta hu, abhi jo facebook ads ka bhi recent masla kya aaya hua hai, theek hai, aapko malum hona chahiye as service de rahe ho to abhi apple iphone ka issue aaya hua hai, theek hai, wahan pe jo hai wo theek hai na retargeting mein jo issue aa raha hai, to you should have a, agar main aapse puchu yaar kya naam hai rizwan kya issue hai iska, so kaise solve hoga, ab aapke service de rahe ho aapke pas you know finger tips hona chahiye ki sir you know this is the solution of this, theek hai, to ye kaise pata chalega when you are constantly learning, ye course jo aapne liya hai ye course ke khatam hone se learning khatam nahi hoti, yaad rakhiyega I still every day learn about the things as I karta hu, like agar main facebook ads run kar raha hu main abhi bhi courses mein enroll hota hu recently, like main courses mein enroll hota hu, ha wo alag advanced level ke bahut courses hote hain lekin I do enroll in those international courses, the point is
जो 6 figure 7 figure entrepreneurs के होता है. The point is, this is a constant learning. ठीक है, और you just have to strengthen your concepts. Facebook ads को constantly सीखें, और the best way to learn is to run ads yourself. ठीक है सर, मैं सिर्फ Facebook के ऊपर focus करूं या साथ Google start कर सकते हैं? I believe के यार रिजवान, आप एक चीज में focus करो, you know, उसमें अपनी concepts को, अपनी learnings को, अपने आप को इतना strong बना लो कि you know you are an expert of that thing. जब आप उस level में पहुंच जाओगे, फिर आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, right? Because you will get so many Facebook ad clients, एक बस time ही नहीं होगा कि मैं कहीं और जाऊँ. सर अभी भी बहुत सारे आ रहे हैं सर, मैं खुद manage नहीं कर पा रहा, साथ में मेरे IDM की student हैं, वो भी साथ लगी हुई है, वो भी साथ मैनेज कर रही है. और आप सर समीर को भी ईमेल करें कि यार ये मेरे क्लाइंट आया हुआ है और ये मुझे इशू आ रहा है स्पेसिफिकली, एंड देन वी विल गिव यू आंसर्स कि कोई भी इशू होगा तो इंशाल्लाह हम आपको वहां पे हेल्प करेंगे. ठीक है, परेशान ना हो, एंड दिस कीप द यू नो बॉल रोलिंग. ठीक है, ओके जी. सो यहाँ पे मेरे सामने हसन आ रहे हैं, हसन बुखारी, आप अगर अपना माइक खोल सकें. अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप इंसान खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र सर, बेहतरीन. अच्छा सर, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, और बेसिकली जो मेरा शुरू से ही एम था ना, वो था बिजनेस, कि भाई बिजनेस ही करना है और फ्यूचर में बिजनेस में जाना और पैसिव इनकम बेसिकली जनरेट करनी. तो मैं इस वक्त प्रॉपर्टी इन्वेस्टर भी हूँ और प्रॉपर्टी का भी काम कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ क्रिप्टो में भी मेरी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है. और आईडीएम को ज्वाइन करने का बेसिकली मकसद ये था कि मेरा अपना पर्सनली बिलीफ इस चीज़ पे है कि आपको जो बिजनेस करना है ना, ये नहीं कि आपके पास पैसा, आपको ये पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दूँ और आपको प्रॉफिट आ जाए. आप उसके इन्स एंड आउट को सीखो, आप सीखो कि ये चीज़ है क्या, एंड देन इन्वेस्ट करो उस पर. तो यही वजह थी कि मैं, वो मुस्तफा भाई ने भी यही क्वेश्चन किया था कि वो अपनी ना डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी बनाना चाहती, तो मैं भी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी बनाना चाहता था, जिस वजह से मैंने आईडीएम को ज्वाइन किया. और मैं चाहता था मुझे नो हाउ हो कि डिजिटल मार्केटिंग में जितनी भी सर्विसेज हैं रिगार्डिंग वेब डेवलपमेंट, SEO, एफिलिएट मार्केटिंग, और उसके साथ साथ गूगल एड, जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हमारा. तो अब मैं एक चीज पे मेरा फोकस नहीं है, मैं आपने जिस तरह उसको कहा कि एक चीज पे फोकस करो, मेरा है डिजिटल मार्केट एजेंसी बनाने के बाद ना डिफरेंट डिफरेंट चीजों को मैं अप्रोच करूं और डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज में प्रोवाइड करूं. अब उसमें मुझे एक रोड मैप थोड़ा सा चाहिए, और वो यही चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए बेसिकली. ओके, सो राइट, सर अब ये है कि अब नो हाउ की जो बात है, अब नो हाउ से तो मैंने माशाल्लाह से काफ़ी कुछ सीख लिया. अब मुझे इसमें ये आप गाइड करते कि मैं स्टार्ट में कुछ प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग करके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन कर लूं, या एक साल दो साल मेरे पास टाइम की इतनी मतलब के कह लें कि कैद नहीं है, एक आधा साल में कुछ अपनी कह लें कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन कर लूं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग करके, लाइक SEO से प्रोजेक्ट पे वर्किंग करके और वेबसाइट डेवलपमेंट पे, या फिर मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली तो वर्क नहीं करना, मेरी तो एक टीम में बिल्डअप करूंगा जो कि एजेंसी को रन करेगी. तो मुझे और फर्दर स्किल्स की तरफ जाना चाहिए, मूव करना चाहिए, या फिर मैं स्टार्ट करूँ? तो आई बिलीव कि आपको स्टार्ट करना चाहिए साथ, ठीक है अमीर, आपको स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज जिस तरह आपने बोला है कि यू विल नॉट बी द पर्सन डूइंग द फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट आप नहीं कर रहे होंगे, आप अपनी टीम मेंबर्स से करवा रहे होंगे. सो लाइक आपको इतनी नॉलेज होना जरूरी है कि जो टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं आपके, दे आर डूइंग द राइट थिंग, ठीक है, वो सही तरीके से क्लाइंट्स को डिलीवर कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट्स, आप उनको प्रॉपर गाइड कर सको, उनको डायरेक्शंस आप दे सकें. And if you have this much skills, I believe जो के हो चुके हुए होंगे, तो I guess you should start right away. There is no point in waiting. And yes, that would be my suggestion for you, that start away. So
सर इसमें शुरू में मुझे कुछ ऐसी चीजें जिसके ऊपर मुझे फोकस करना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में, वो कुछ कुछ सजेशंस आप मुझे अगर दे दें कि इन चीजों पे मेनली आपको फोकस होना चाहिए स्टार्टिंग में. राइट, सो बेसिकली यार एज लाइक जस्ट लाइक एवरीवन, मेरा एक ही होता है फोकस आपका होना चाहिए यू नो ऑन getting clients. हर बिजनेस के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कुछ स्टार्टिंग में प्रोज एंड कॉन्स का, ताकि मैं स्टार्ट में ही अपनी एफर्ट करूं और कॉन्स की तरफ जितना ज्यादा हो सके उसे बचे बने. राइट, सो देखें सबसे मेजर जो फोकस होना चाहिए एज अ डिजिटल मार्केटर एज अ बिजनेस ओनर इज टू मेक श्योर कि आपकी जो एजेंसी जो आप बना रहे होगे इसमें आपके पास इनफ्लक्स ऑफ क्लाइंट्स रहना हो रहा है, बिकॉज बाकी कोई भी चीज सब चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि यू आर गेटिंग यू नो न्यू क्लाइंट्स एवरी मंथ, बिकॉज दैट्स व्हाट कीप्स द ऑफिस रनिंग, दैट्स व्हाट यू नो विल पे द सैलरीज ऑफ योर एम्प्लॉइज एंड एवरीवन एवरीथिंग. सो अब आपने क्या करना है वो किस तरीके से पॉसिबल होगा, अगेन उसके बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं कि क्लाइंट्स आपने कैसे लेना है, लेकिन सिंस आई एम एन एड्स पर्सन सो मेरा आपको ये मशवरा है कि ये चीज मैंने आप इनको भी दी थी ऊपर जवाब जो है आई बिलीव या यस ठीक है ना, तो मैंने जवाब को भी बोला था कि यू शुड बिल्ड अ फनल, ठीक है आप एक फनल बनाएं और इस चीज में आपका सबसे ज्यादा टाइम जाना चाहिए और सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए. एक एक मशीन आप ऐसी बना लें, एक मशीन आप ऐसी बना लें कि दैट इज churning new clients, like as soon as you know turn on your ad campaign aapko pata hai ki maine agar 1000 rupees ya like suppose 10000 rupees aaj maine facebook ads mein dale hain ya youtube ads mein dale hain to I am getting 100 leads, theek hai, and those 100 leads mein se mujhe let's suppose 10 phone calls book hui, 10 mein se ek banda mera convert ho jayega, ठीक है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर इज आसान इज बिल्ड अ फनल, बिल्ड अ सक्सेसफुल फनल. ऐसा फनल आप बनाए जो कि अगेन मैं इनको बता चुका हूँ जवाब को भी बताया, दिस इज अ टाइप ऑफ फनल जो कि आपके लिए और हर एजेंसी बंदे के लिए काम करेगा. आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक एजेंसी है नाम उसका भूल रहा हूँ, इफ आई कैन फाइंड नेम थिंक इट्स कॉल्ड साबरी सूबी के नाम जो उसका ओनर है साबरी सूबी है किंग कॉन्ग. ये सब लोगों के लिए जो लोग अपनी एजेंसी बनाना चाहते हैं. ओके सी दैट गाय रन एड्स लाइक क्रेजी और ये बंदा देखो किसी भी चीज में रिलाय नहीं कर रहा, ये बंदा अपवर्क में फाइवर में ये बंदा जो है यू नो फोन कॉल्स करने में या रेफरल्स में ये बंदा खुद एड्स रन करके क्लाइंट्स लेता है, ठीक है. एंड आपके सामने इसका गूगल एड भी आ गया, ठीक है इसको मैं खोल लेता हूँ. एनीवेज मुझे असल चीज आपको दिखानी है इसका, ये kingkong.co, ठीक है. एंड ऑल ऑफ यू गाइस जो लोग अपनी एजेंसी रन करना चाहते हैं, ठीक है, शुड एक्चुअली रिवर्स इंजीनियर दिस पर्टिकुलर यू नो एजेंसी कि बंदा कर क्या रहा है, ठीक है, ये बंदा कैसे क्लाइंट्स पकड़ रहा है, इसका फनल आप लोग देखें, ठीक है. मैं आपको इसका लिंक दे देता हूँ चैट बॉक्स में आप सबको. एक सेकेंड सबको ये इसका लिंक मिल गया, ठीक है. तो आप लोग इसका फनल देखें, ठीक है, कैसे जवाब में बताता हूँ आपको. अच्छा ठीक है, दूसरा जो है ना आप एक काम करो आपको इसका यार ये उर्दू में कैसे हो जाता है समझ से बाहर है. सीरियसली ओके सो अगर मैं यहां पे लिखता हूं उसका ठीक है. अब ये बंदा जो है ना ये एड्स रन करके
बंदा क्लाइंट जो है ना वो गैदर कर रहा है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि आप इसकी एड्स को देखें और इसके फनल को देखें, ठीक है। क्लिक ऑन इज एड्स, आप इसके एड को क्लिक करें, देखें कि एड आपको कहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है। लैंडिंग पेज देखें, इसका पूरा फनल देखें, एंड देन कॉपी इट। मेरा मतलब ये नहीं मैं बोला कॉपी कर लें पूरा, मेरा मतलब ये है कि गेट इंस्पायर्ड कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, एंड ट्राई टू यू नो रेप्लिकेट द प्रोसेस, बिकॉज दैट पर्सन इज यू नो सक्सेसफुल इन डूइंग व्हाट ही इज डूइंग। सो द पॉइंट इज, पॉइंट क्या था आसान, वो ये था कि बिल्ड अ सक्सेसफुल फनल जो आप बनाए अपनी एजेंसी के लिए, यू नो, और फिर वो ऐसा फनल हो उसके ऊपर आपने काम करना। वो एक दिन में नहीं बनेगा, वो एक हफ्ते में नहीं बनेगा, लेकिन बाय कांस्टेंट टेस्टिंग, बाय कांस्टेंट टेस्टिंग का मतलब क्या है कि आप एड्स रन करेंगे उस फनल में, आपको हो सकता है एड्स में अच्छा रिस्पांस ना मिले, लैंडिंग पेजेस में अच्छा रिस्पांस ना मिले, यू विल ट्वीक द लैंडिंग पेज, यू विल ट्वीक द एड, यू विल ट्वीक द टारगेटिंग, यू विल ट्वीक एवरीथिंग, एंड देन उसके बाद जो है ना फिर आपको यू नो इवेंचुअल रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। तो दिस इज समथिंग दैट मुझे आपको बताना था कि यू नो बिल्ड अ build a funnel, ठीक है। This is the most profitable activity that you can do in your agency, और क्योंकि ये सबसे ज्यादा profitable activity है इसलिए आपको करनी चाहिए, right? Instead can be किसी employee को देते हैं, ठीक है? ठीक है सर, उसमें ये है कि हम target जो audience है हमारी, उसमें हम international और local दोनों को साथ लेके चलें या फिर किसी एक को target करें? If you have the budget, do both. अच्छा सर, इसमें मैंने जो बजटिंग किया ना, अब मैंने जो बजटिंग किया उसमें खाली एडवर्टीजमेंट की अगर बात की जाए, उसमें गूगल एड, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, व्हाटएवर जितनी भी एडवर्टीजमेंट है उसमें मैंने 0.8 to 1 million की बजट रखा है अपना सिर्फ एडवर्टीजमेंट के ऊपर, तो इज इट इनफ पर मंथ है ये? पर मंथ नहीं, 6 months 1 million की मैंने बजटिंग रखी है जस्ट एडवर्टीजमेंट पे, ठीक है। तो इसका मतलब है एक महीने में तकरीबन 1.5 lakh तकरीबन हो गया ना, राइट? अच्छा नहीं, दिस इज मोर देन एनफ, बट डोंट स्पेंड इट राइट अवे। लाइक आप ऐसा नहीं कभी गलती करिएगा आसान कि आपने आज फेसबुक एड्स स्टार्ट किया है और कितना हो गया है, मैं मैथ्स में इतना कमजोर उठा के 1.5 lakh, ओके हाँ सही है 5,000। सो आपने स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करना कि आप स्टार्ट में जब आप एड रन करें तो 5,000 रुपए पर डे आपने उठा के ना एड बना दिया, ठीक है। स्टार्ट स्मॉल, ठीक है, स्टार्ट स्मॉल। आप मे बी आप 5 कैंपेन्स बनाओ 200-200 रुपए की, 300-300 रुपए की पर डे। सी कि यार किस कैंपेन में आपकी पास लीड्स आ रही हैं, सस्ती लीड्स आ रही हैं, अच्छी क्वालिटी की लीड्स आ रही हैं, and then they are converting into sales, ठीक है। so ये चीज आपने आपने देखनी होगी। so budget बिल्कुल ठीक है, I really applaud कि आपने budget advertising के side पर रखा है, which is very important, most people don't do that, लेकिन don't spend it, you know, कि यार मेरा महीने में अगर 1.5 lakh का है तो मुझे एक महीने निकालना है, don't do that, try to, you know, start small. इसमें location भी matter करती है कि मैं देखूं कि यार for example मुझे कराची से ज़्यादा sale आ रही है तो मैं अपना budget कराची का। Sure. आपने जो ads run करने हैं तो आपने maybe आप ad set level में हर city को अलग अलग target करना, कराची को, लाहौर को, इस्लामाबाद को, रावलपिंडी को, चार बड़े शहरों को target किया, फिर आपने एक बना दिया पूरे, you know, let's suppose सिंध का बना दिया या पंजाब के small cities का बना दिया, and then देखें कि किस यू नो जियो से आपकी सबसे ज्यादा अच्छी लीड्स आपको मिल रही हैं, ठीक है, कौन सी कॉल्स कन्वर्ट हो रही हैं, थिंग्स लाइक दिस, ठीक है, ठीक हो, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम, ओके, एनीवन कैन ओपन द माइक नाउ, जिसको बोलना है वो बता दें, बिकॉज़ मेरे पास शो नहीं हो रहा है, अभी क्या लेते हैं, हेलो जी, हेलो तौसीफ, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरा एक सवाल है कि ये जो अलीबाबा पे नहीं जो डॉलर की चीजें मिलती है, जैसे होम आइटम होती है, होम एक्सेसरीज, अब उसकी मेरे पास पूरी फाइल पड़ी हुई है, मतलब जो प्रोडक्ट की होती है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट को मुझे बाय करना चाहिए कि खाली वो CSV है तो बाय नहीं करना चाहिए शुरू में? आप ड्रॉप शिपिंग के हवाले से पूछ रहे हैं? नहीं सर, ई कॉमर्स। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप ये सर, मेरा ऑनलाइन स्टोर मैंने बनाया, ठीक है, अब उसमें ना जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट
वो उसकी मतलब पूरी प्रोडक्ट की फाइल मुझे मिल गई है, मतलब जैसे मेरे दोस्त कर उसने मुझे दे दी है, ठीक है ओके। तो सर मुझे अब मुझे पता है प्रोडक्ट कहाँ से मिलती है, तो मुझे शुरू में प्रोडक्ट परचेज करनी चाहिए कि वही बजट फेसबुक पे लगाना चाहिए? राइट यार आई एम नॉट श्योर कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली आप अगर आप क्या बोला आप स्टॉक नहीं रखोगे तो ड्रॉप शिपिंग करेंगे ना फिर, तो आप अगर आप स्टॉक नहीं रखेंगे ड्रॉप शिप, जी 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 सर ठीक है ना, तो यस डेफिनेटली यू शुड पुट दैट बजट ऑन फेसबुक एड्स। अगर आप इसको ऐसा एडजस्ट कर सकते हो कि अगर प्रोडक्ट का स्टॉक की जरूरत नहीं है, यू कैन ड्रॉप शिप दैट प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द सप्लायर, एंड डेफिनेटली आप फेसबुक एड्स पर बजट अपना लगाएं बिकॉज दैट इज वेयर इट काउंट्स द मोस्ट। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है ओके, एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप पहले आंसर कर चुके हैं, बट लेकिन जो मुझे एक चीज जो बहुत डिफिकल्टी मतलब प्रोड्यूस करे ना मेरे लिए, वो ये है कि अब मैंने जो ये कोर्स जब मैंने IDM में मैं जब साइन इन हुआ, तो मैंने सोचा था कि मैं एज अ लाइक पहले अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा फिर उसको लेके चलूंगा, क्योंकि आप मतलब अकेला था, मुझे नहीं पता था कि टीम वर्क होती है डिजिटल मार्केटिंग में और आपको एक प्रॉपर टीम के साथ चलना पड़ता है। सो वो चलिए मेरी नो मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चलता गया, फिर वो थोड़ी बहुत समझ आती गई। बट अब जो मेरा एक जो बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए है वो ये है कि मैंने बार बार काफी जो टीचर्स हैं मेंटर्स उनसे मैंने पूछा है IDM के, लेकिन मुझे किसी का भी सवाल जवाब इतना सेटिस्फाई नहीं कर सका। क्वेश्चन ये था मेरा कि जिस तरह आपने कहा कि आप डीप जाएं विड्थ में ना जाएं, ठीक है, सो डीप से आपका कहने का मतलब ये कि आप एक ही मॉड्यूल को पकड़ लें और उसी पे अपना मतलब स्किल को नरिश करें ग्रूम करें एंड देन मार्केट में आए? ओके देखो यार what I believe is कि देखो आपको बनना है टी शेप मार्केटर, ठीक है। टी शेप मार्केटर का मतलब मेरा ये है यहाँ पे कि टी शेप का मतलब ये होता है कि आप let's suppose अगर आप मिसाल लेते हैं कि you are learning everything, you are learning how to create a website, you are learning about Google ads, ठीक है जी, you are learning about Facebook ads, you are learning about email marketing, you learn about SEO, affiliate marketing, because you need all of these things. Har cheez ki zarurat padti hai, right? You can't say ki yaar maine SEO chhod dunga to main ek successful digital marketer ban sakta, it's not possible. Now when I talk about T shaped marketer is ke aapne zahir si baat hai ke when you go to the real market, theek hai, when you are providing services, to instead ke you position yourself ke I am a digital marketer, position yourself ke I am an expert, I am a Facebook ads expert, right? Because that way you can attract more and quality clients. So t-shirt marketing ka matlab kya hai ki Facebook ads agar aap isse focus karoge, aapne seekha sab kuch, lekin you go deep into one thing, right? You go deep Facebook ads hai, ab isme aapne jo hai na wo और डीप जाना है यार, इसमें मे बी यू गो यू बिकम एक्सपर्ट इन रीटारगेटिंग एड्स, यू नो यू हैव एवरीथिंग you know covered about conversion trackings, you know you learn about sequential retargeting, theek hai ji, kaise sequential retargeting karni hai, you are expert about creating creatives, making sense to you? Instead ki aap you go deep, because not possible ki aap, possible to hai lekin if you have time you can do that, lekin my advice is become a T-shaped marketer, you know everything but you are going deep into one thing that actually excites you, that actually you are passionate about. Makes sense? Yes, sir, totally. और एक और जो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा कि आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा जो चीज चल रही है वो फेसबुक सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है, बट अगर लेट्स से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सोशल मीडिया मार्केटिंग और मुझे एडवर्ड्स और SEO वेबसाइट डेवलपमेंट में ज्यादा मेरा मतलब लेट्स से मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इसके क्या मतलब मुझे लाजमी है कि मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है? बिकॉज़ नहीं 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 नहीं
नहीं, ऑफ कोर्स नॉट. द पॉइंट इज मैंने इसलिए बोला ये बिकॉज अगेन आप फेसबुक एड से बहुत क्विकली रिजल्ट्स जनरेट, हाँ फेसबुक एड से आप बहुत क्विक, माइक अपना बंद कर दीजिए प्लीज निहाल, थैंक यू, आप फेसबुक एड से बहुत क्विकली रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हो, लेकिन सेम गोज फॉर गूगल एड्स एंड यूट्यूब एड्स. इनफैक्ट अभी मुझे किसी ने पूछा था, आई एम नॉट श्योर किसने पूछा, और अभी रिसेंटली मुझसे किसी ने पूछा था कि आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएटिंग अ यू नो अ गूगल एड्स एजेंसी एंड आई अपलोडेड दैट पर्सन. द रीजन इज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट, एवरीवन इज गोइंग टू यू नो टूवर्ड्स फेसबुक एड्स टूवर्ड्स एसईओ, बट बहुत ही सेल्डम ऐसा होता है कोई बंदा गूगल एड्स की एजेंसी बनाए या स्पेशलाइज्ड इनटू यूट्यूब एड्स. ठीक है, सो जिस चीज में भी आप जा रहे हो, भले आप एसईओ में जा रहे हो, भले आप गूगल एड्स में जा रहे हो, जस्ट नीड टू फोकस वन थिंग एंड दैट इज यू शुड बी एबल टू प्रोवाइड फिनोमिनल रिजल्ट्स टू योर क्लाइंट्स रिगार्डलेस आप कुछ भी दे रहे हो. आई नो पीपल जो कि सिर्फ वेबसाइट उन्होंने पकड़ी हुई है, देयर मेकिंग यू नो बोट लोड ऑफ मनी. ठीक है, सिर्फ वेबसाइट पकड़ी हुई है लेकिन दे आर लाइक मास्टर्स ऑफ दैट थिंग. वो वेबसाइट ऐसी बनाते हैं कि दे यू नो मतलब उनका ये काम नहीं होता है कि वेबसाइट फ्लैश ही बनानी है, दे मेक कन्वर्जन फोकस्ड वेबसाइट्स. ठीक है जी, एक नॉर्मल बंदा वेबसाइट बनाने का 5 पेजेस की कॉन्टैक्ट पेज डाल के अबाउट अस पेज की, वो लोग क्या है ऐसी वेबसाइट बनाते हैं कि इट्स एक्चुअली यू नो के फोकस्ड ऑन कन्वर्जन. कोई भी विजिटर आएगा, दैट विजिटर इज यू नो एंटर्ड इनटू अ सेपरेट फनल, तो इट्स नेक्स्ट लेवल वेबसाइट बनती है. पॉइंट बताने का ये है कि आप किसी चीज में भी फोकस करो लेकिन यू नो गो डीप इनटू दैट थिंग रिगार्डलेस कि वो फेसबुक एड्स है, यूट्यूब एड्स है, गूगल एड्स है, एंड मेक श्योर दैट यू आर एबल टू प्रोवाइड फिनोमिनल रिजल्ट्स टू क्लाइंट्स. ठीक है, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन अली. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर. ओके ओके जी, सो एनीवन एल्स, वालेकुम सलाम, हु इज दिस? यही के मैं जितने भी टीचर्स आपसे यहाँ से जिनसे सीखा है तो मैं उनको भी जरूर अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि ये ख्वाहिश थी कि जब भी आपसे बात हो तो एक तो मैं जरूर उनको जो मौका मिले, और यही कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें अवेल किया है, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मुझे इतना अच्छा और इतना मतलब डिटेल में सीखने को मिलेगा. सर हामिज और सर समीर और सर साइमिस के पास सबका टीचिंग मेथड भी इतना अच्छा और अलग से है कि मतलब बहुत ही कॉम्पिटेंट टीचर्स आपने हमें प्रोवाइड किए हैं और सब कुछ बहुत अच्छा है उसमें सब में. यही कि आपने ये जो प्लेटफॉर्म दिया है बहुत अच्छा, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला. ओके थैंक यू. सर दूसरा ये कि मुझे डिफरेंट मॉड्यूल को लेकर आपसे मतलब डिस्कस करना है, वो मैं वन बाय वन करती हूँ आपसे. तो फिर एक तो ये कि फिर लास्ट में आप बताइएगा सबसे पहले तो मैं क्या मतलब किस तरह का उसके लिए. सर सबसे पहले ये है कि मैं ब्लॉगिंग करना चाह रही हूँ, अपनी वेबसाइट बनाना चाह रही हूँ उसके लिए. ओके, तो सर मतलब मुझे मैंने स्टार्ट लेना ही था आजकल में, तो इंशाल्लाह मैं मतलब ऑलमोस्ट ये है कि मेरा कम्प्लीट हो गया हुआ है जो कोर्स जो है. तो अब ये है कि सर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितना कुछ कोर्स किया है वो मैंने काफ़ी कुछ लर्न किया है, तो मैं मतलब मैं चाहती हूँ कि ऑब्वियसली मैं खुद अप्लाई करूँ, अपने काम पर अप्लाई करूँ, ताकि जो सीखा है तो वो फिर मैं अप्लाई करने के बाद ही मतलब कुछ थोड़ा बहुत परफेक्ट हो सकता हूँ. सर यही है कि एक तो कॉन्टेंट राइटिंग ऑब्वियसली सबसे पहले ब्लॉगिंग में चाहिए होती है, और फिर उसके बाद सर उसमें कुछ टूल्स होते हैं वो मैंने थोड़ा बहुत लर्न किया है, तो उसमें टूल्स किस तरह से बेनिफिशियल रहेंगे. और इसके बाद जो एक चीज़ मुझे जाती है कि जो प्रोफेशनल पिक्चर्स हैं जो हम मतलब जो सर से हमने सबसे सीखा कि गूगल वगैरह से हम ऐसे लेकर नहीं लगा सकते, तो एक चीज़ ये है. और दूसरा ये है कि मैं पहले तो मुझे ये था कि मैं लेडीज़ के वुमेन के ऊपर लिखूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास एक बहुत कुछ है भी लिखने को, मुझे बहुत दिल करता था, लेकिन उसके बाद मुझे माइंड में जाते हैं कि जब मैंने इतनी मेहनत करनी ही है तो मतलब कोर्स थोड़ा काफ़ी टाइम लेगा, आपको मेहनत करने के बाद ही किसी जगह पर पहुंचते हैं. तो इसके लिए ये है कि मैं चाहती हूँ कि क्यों ना मतलब एक मैं स्पेसिफिक ना करूँ किसी भी के लिए, मतलब सब पर लिख सकूँ या कभी भी मतलब जो चीज़ मेरा दिल करे तो मैं वहाँ पर
कर सकते तो इसके लिए पहले तो आप मुझे बताएं कि तो वहां से कैसे शुरू हो सकते हैं राइट सो आपका सवाल ये है कि आपने एक ब्लॉग बनाना है एंड आप ये पूछना चाह रही हैं कि यू वांट टू क्रिएट अ ब्लॉग व्हिच इज स्पेसिफिक टू कोई खास टॉपिक यानी कि आपने बोला वुमेन्स के टॉपिक से रिलेटेड हो या आपको जेनेरिक होना चाहिए यू नो टारगेटिंग मल्टीपल नीशेस ये सवाल है आपका जी मैं चाहती हूँ कि मल्टीपल बीचेस पे टारगेट कर सकूँ लेकिन क्या ये सही रहेगा क्योंकि मुझे यही होता है कि मैंने मेहनत करनी मुझे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एकदम से बहुत ज़्यादा रैंक हो जाएगी या कुछ और मेरे माइंड में यही होता है कि कोई भी चीज़ मेहनत करने के बाद ही आप अचीव कर क्यों ना फिर मैं एक ही दफ़ा अच्छे से मेहनत करके तो आप बताइए राय देंगे क्या सही रहेगा आप ब्लॉग बना किस वजह से रही हैं लाइक आप उसमें एफिलिएट मार्केटिंग करेंगी या गूगल एडसेंस के लिए है किस चीज के लिए बना रही हैं आवाज चली गई है हेलो आवाज आ रही है हेलो हेलो यस सर आवाज आ रही है आपकी आवाज आ रही है ना ये समरीन आपके एंड से मेरा ख्याल है कोई इशू होगा मैं ये आवाज आ रही है आपको मेरी अब यस सर आ रही है आ रही है ना मेरा ख्याल है उनको नहीं आ रही है किसी वजह से मैं यही चाह रही हूँ कि एक तो मैं चाह रही हूँ प्रोडक्ट्स भी सेल हो सकती हैं जी अभी मुझे आवाज आपको आवाज आ रही है मेरी जी जी अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सभी जस्ट के आप जो ब्लॉग बना रही हैं अभी सो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट यू आर यू नो आप एफिलिएट ब्लॉग बना रही हैं अभी मुझे आ रही है आपको आ रही है मेरी आवाज जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है आवाज आ रही है ओके सो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो ब्लॉग बना रही हैं इसका पर्पस क्या है ये एफिलिएट ब्लॉग होगा इसमें आप कंटेंट लिख के एडवर्टाइजिंग स्पॉट सेल करेंगी या व्हाट इज द पर्पस लाइक किस वजह से क्या पर्पस है इसका ओके आई थिंक समरीन ड्रॉप हो गई है सो हम किसी और के पास चलते हैं अस्सलाम जी समरीन ओके अच्छा आप मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे रिपीट करता हूँ आई एम जस्ट आस्किंग दिस के व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस ब्लॉग लाइक इज दिस एन एफिलिएट ब्लॉग जिसमें आप एफिलिएट प्रोडक्ट सेल कर रही होंगी इज दिस अ ब्लॉग जहाँ पे आप एडवर्टाइजिंग स्पॉट्स अपनी सेल करेंगी लेटर ऑन व्हेन यू ग्रो अप तो क्या इसका रीजन है जी सर मैं चाह रही थी कि गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करूंगी तो और दूसरा ये कि अपने प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकूं प्रोडक्ट्स मीन कौन से सर वो कुछ भी हो सकती है जैसे फॉर एग्जांपल लेडीज बैग्स ही हो जाए इस टाइम तो वी डोंट नीड अ ब्लॉग फॉर दैट ना आई मीन आपको उसके लिए तो ब्लॉग तो नहीं चाहिए अच्छा वहां पर प्रोडक्ट सेल नहीं करनी चाहिए नहीं 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 मैं ही नहीं बोला करनी नहीं चाहिए यू कैन डू दैट आई मीन दैट इज एन अमेजिंग स्ट्रेटजी बट यू डोंट नीड टू हैव अ ब्लॉग बिकॉज़ उसका कोई एज सच डायरेक्ट रिलेशन नहीं है आपकी लाइक अगर आप लेडीज बैग्स की बात करते हैं सेल करवाने की हाँ आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना लें उसमें एक अलग से ब्लॉग चल रहा हो दैट्स फाइन लेकिन सर मेरा मकसद ये है कि मैं ब्लॉगिंग करूं और आर्टिकल्स लिखूं मेरी ख्वाहिश है ओके ओके सो ठीक है अगर आपको ये पैशन है तो उसके लिए करना चाह रही हैं तो दैट्स फाइन तो फिर गूगल एडसेंस राउट वुड बी बेटर मे बी या फिर आप अपने ट्रेनिंग्स एंड कोर्सेज सेल कर सकते हैं लेटर ऑन जो आप ब्लॉग बनाएंगी उसमें जो आपकी ऑडियंस बनेगी उसको फिर आप अपनी कोर्सेज या अपने ट्रेनिंग्स आप सेल कर पाएंगे दैट इज समथिंग यू कैन डू तो आपको लाइक ब्लॉग हमेशा जो है ना सबीन इट शुड ऑलवेज बी स्पेसिफिक बिकॉज जब आपका ब्लॉग स्पेसिफिक होगा सो आपके पास एक खास किस्म की जो है वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस आएगी ना मेकिंग सेंस लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग अबाउट लेट्स सपोज ट्रैवलिंग ठीक है तो आपको पता है कि यार आपके ब्लॉग में वही ऑडियंस आ रही है हु आर यू नो हु लव ट्रैवलिंग राइट सो आई बिलीव कि आपको स्पेसिफिक होना चाहिए ठीक है एंड ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसमें यू नो पीपल एक्चुअली सर्च फॉर दैट थिंग पीपल एक्चुअली need that thing people actually are looking for a you know for that topic so make sure kariega ki us topic mein jayega jo ke people actually look for theek hai ya to kisi ka koi problem solve ho raha ho you know make sure kariega do cheezon mein ya to aisa topic ho
जो आप कोई पेन किसी का सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, मे बी फॉर इंस्टेंस आप वेट लॉस का ब्लॉग बना रही है, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बिलियंस ऑफ पीपल, सो यू कैन अट्रैक्ट गुड अमाउंट ऑफ यू नो ऑडियंस दैट. या दूसरा किस्म का ब्लॉग होगा कि आपका यू नो ऐसा ऐसा टॉपिक हो जिसमें यू नो पैशन रिलेटेड, लाइक क्रिकेट हो गया, जिस तरह आपने बोला ट्रैवलिंग हो गया, या और भी टॉपिक्स होते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड टेक केयर ऑफ. सर, तो मैं मतलब वुमेन पर लिखना चाहती हूँ, मतलब जो टाइम्स में ख्वाहिश थी, फिर उस पर भी मजीद स्पेसिफिक करूँ या मतलब इसको लेके जा सकता हूँ? श्योर, आप उसमें स्पेसिफिक लाइक स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ना हो के यू नो उसकी ऑडियंस ही बहुत कम है उस पर्टिकुलर टॉपिक की, लेकिन इट शुड बी यू नो आई बिलीव के इतना हो के एक स्पेसिफिक टॉपिक हो, पीपल एक्चुअली सर्च फॉर दैट टॉपिक. वो फिर आप गूगल कीवर्ड टूल या फिर एचडीएफ से आप जाके देख सकती हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड में या उस पर्टिकुलर टॉपिक्स में कितने लोग सर्च कर रहे हैं, या उसके अराउंड फोरम्स बने हुए नहीं बने हुए, उसके अराउंड ब्लॉग लोग लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं वेबसाइट पर, सो डू सर्च फॉर दैट. सर, फ्रीलांसिंग का पूछना था फिर मैंने, इसमें ये था मुझे कि मैं अभी तक यहाँ पे इसलिए अप्लाई नहीं कर सकी क्योंकि मुझे ये चीज़ रही है लाइफ में अपनी कि मैं काम करूँ तो वो ऑलमोस्ट 100% तो खैर दे नहीं सकती हूँ, तो इतना वो परफेक्ट हो कि 90% हो, तो मैं कहती हूँ कि मैं काम करूँ फिर मैं अच्छा नहीं कर सकूँ, या ये चीज़ जो है मुझे हेजिटेट करती है और मैं फिर उस तरफ नहीं जा पाती हूँ, तो इसके लिए आपने ओके इसके लिए तो योर नेम समरीन, समरीन इसके लिए तो यही है जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, दैट इज के डोंट फोकस यू नो ऑन परफेक्शन. आई नो ये सुनते में अजीब सा लगता है लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट के डू नॉट वेट फॉर थिंग्स टू बी 100% परफेक्ट, यू नो जस्ट टेक इम्परफेक्ट एक्शन बिकॉज एवरी एक्शन काउंट्स. एक बंदा है जो कि यू नो दैट पर्सन इज डेली टेकिंग एक्शन, भले टूटा फूटा ले रहा है, भले गलत आर्टिकल्स लिख रहा है मिसाल के तौर पर, लेकिन दैट पर्सन हैज यू नो विल बी फार अहेड ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन जो कि वेट कर रहा है कि यार 100% परफेक्ट होगा फिर मैं जो ना वो उस चीज को पब्लिश करूंगा. ठीक है, सेम गोज फॉर योर ब्लॉग एज वेल. फॉर एग्जाम्पल यू नो या बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि अपनी वेबसाइट पूरी जब परफेक्ट हो जाएगी फिर जो है ना वो प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे या फिर जो है एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करेंगे. डोंट वेट फॉर थिंग्स टू बी परफेक्ट, गिव योर सेल्फ रूम टू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स because everyone you know does so practice ke baad hi zyada learning karta hai ji 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 that's what sir saath mein sir se jo e-commerce sikha tha usme jo unhone services ke bare mein bataya tha wo mere milke unke saath ek do baar discuss bhi hui hai paas mein to wo bhi meri badi khwahish hai abhi tak hai main abhi tak chahti hu ki matlab maine sara kuch itna kuch sikha to kafi plan inshaallah main karungi sabko hi apply karna chahti hu. तो उसमें सर ये है कि जो उनसे सर्विसेज के बारे में बात हुई, तो उसमें ये था कि बीना लेडी मेरे लिए डिफ़िकल्ट है कि मैं उसको बैनर्स के फिजिकली मतलब उसको एडवर्टाइजमेंट करना ना, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अगर मैं कोई सर्विस लॉन्च करती हूँ तो क्या जस्ट सोशल मीडिया के थ्रू या इस तरह से अगर मैं करूँ तो क्या हो सकता है, उसको प्रमोट कर सकती हूँ उस चीज़ को लेकर? व्हिच टाइप ऑफ सर्विस सबरी? हाँ, फॉर श्योर, वाई नॉट, वाई नॉट, डेफिनेटली यू कैन डू दैट. इनफैक्ट वन ऑफ आवर स्टूडेंट, मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट दे दूंगा, हर नेम इज नेहा, आप उनसे कॉन्टैक्ट करिएगा, वो भी आई टी आई पाकिस्तान की स्टूडेंट हैं और शी बेसिकली स्पेशलाइजेस ऑन रनिंग एड्स फॉर सलॉन्स, राइट, पाकिस्तानी सलॉन्स. So she will definitely help you out. आप मुझे ईमेल करेगा, वो हमारी काफी पुरानी स्टूडेंट है and she does amazing work. ठीक है? इंशाल्लाह. और सर मैंने बस एक चीज पूछनी थी, बल्कि आपसे कहना था कि अगर इंटर्नशिप प्रोग्राम भी हमें अवेल किया जाता तो मतलब ये थोड़ा सा और जो चीज मुझे फील होती है वो चीज मजीद बेहतर हो जाती है, हो सकती है. इंटर्नशिप इसमें आपकी इंशाल्लाह होगी, इंटर्नशिप आपकी होगी तो उसका आपको ईमेल इंशाल्लाह आएगा वंस यू कंप्लीट दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, सो आपको इंटर्नशिप की डिटेल्स भी दी जाएंगी और उसमें आपको मौका सबको मिलेगा उसमें इनरोल होने का. अच्छा,
सर एक चीज मजीद में कहूंगी कि ये जो टूल्स होते हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं लाइक एसईओ हो गया, ब्लॉगिंग टूल्स के बारे में मैंने, तो अगर ये पॉसिबल है कि जो हम दूसरे लोगों से मतलब कॉन्टेक्ट करके उस पर लेते हैं एक पूरा वो पैकेज होता है या कुछ, और अगर इस चीज़ को अभी आप अवेल करते हैं तो हम बजाय इसके कि आउटसाइडर्स से कॉन्टेक्ट कर रहे हो तो हमें IDM से ही मतलब ईजी हो जाएगा और सबको ही मिलेगा। आपके पास जो टूल्स है वो तो मौजूद है ना फ्री टूल्स के पेज पर? जी सर, उसके अलावा भी काफी सारे हैं ना, आपको तो आइडिया होगा, तो फिर मतलब जैसे जरूरत पड़ती है आप रिक्वेस्ट कर दें उसमें, आप उसमें info@idmpakistan.pk में ईमेल करके रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी टूल आप लोगों के जहन में आता है जो ऐड होना चाहिए तो आप हमें बताएं कि ये टूल हमें ऐड करवाना है, तो वी विल डेफिनेटली वर्क समथिंग आउट एंड ऐड। मतलब जैसे हम परचेज करते हैं ना, तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही थी कि अगर आप लोग ही इस चीज को भी कर दें तो एक वो पूरा तो वो चीज अभी सही रहती है। आप ये कह रही है ना कि हम वो टूल परचेज करके आप लोग का एक्सेस है, नहीं कह रही? नहीं नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप हमें ये चीज भी फैसिलिटेट कर दें कि हम कहीं बाहर से जो जाके परचेज करते हैं उन्हें पैकेज बनाए हुए होते हैं, जैसे अभी मैंने पिछले दिनों किसी से किया, वो बड़ा ही मतलब रीजनेबल तो था, लेकिन अगर क्यों ना IDM से हो जाए तो हमें अच्छा रहेगा, हम यहाँ से परचेज। अच्छा वो कह रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, श्योर डेफिनेटली वी विल वर्क समथिंग आउट ऑन दैट। ठीक है सर, मुझे भी नंबर चाहिए होगा जो ऑनलाइन बैग्स का, एक तो आप कह रहे थे ईमेल कर दीजिएगा, मुझे ईमेल कर दीजिए। साहब थे उन्होंने जिक्र किया था गूगल एड्स के लिए, तो अगर मैं भी चाहूंगी कि अगर वो चाहे तो जरूर। हाँ, उनका नाम आप एक काम करें, ये जो इसके बारे में ना मुझे ईमेल कर दें, मैं मुईन साहब का आपको ईमेल दे दूंगा, ठीक है, आप उनसे ईमेल करके बात कर लीजिएगा। जी सर, थैंक यू, कोई इशू नहीं, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। ओके जी, सो आई थिंक हम दो तीन लोगों को और ले लेंगे फिर, यू नो काफी टाइम हो गया। Anyone else जो के करना चाहता है? Assalamualaikum. वालेकुम सलाम जी अब्दुल्ला, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में मजे। जी सर, मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूं, तो मैंने ये कोर्स लिया था इस नियत से कि अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो मैंने अपनी वेबसाइट बनाई थी फार्मेसी, ऑनलाइन फार्मेसी हमारी सेहत .com के नाम से, तो उसके ऊपर मैंने पार्टनरशिप की, मेरा एक स्टूडेंट ही था उसकी फार्मेसी थी जो फिजिकल उनका मेडिकल स्टोर है उनके, उसके वालद साहब का, तो उनके साथ पार्टनरशिप करके मैंने उसके ऊपर सारी मेडिसिन वगैरह लगाई, और SEO की तो क्लास नहीं थी अभी, हमारा मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है अभी तक 5 क्लासेस हुई हैं, तो एक महीना पहले जब हमने तकरीबन स्टार्ट किया था तो तब नहीं थी हुई, तो मैंने फेसबुक पे एड्स लाए थे तो ऑर्डर भी आए थे, लेकिन 10-15 दिन बाद जब तकरीबन 10,000 का मैंने वो बजट स्पेंड किया था, तो 10-15 दिन बाद मेरे वो फेसबुक एड्स, वो एड अकाउंट जो है ना वो ब्लॉक हो गया, उन्होंने कहा कि आप अपने बिजनेस की वो टैक्स डिटेल्स और लीगल नेम ये एटसेट्रा इस तरह की चीजें सारी हमें दें, तो वो तो अभी फिलहाल मेरी कंपनी कोई ऐसी इस लेवल की तो नहीं है कि मैं उस डिटेल्स उनको प्रोवाइड कर सकूं टैक्स वगैरह या ये, उस वजह से वो बंद था, तो कुछ उस दौरान रमजान भी आ गया, मैं तरावी वगैरह पढ़ाता था, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं था, मैंने उसको होल्ड किया, हमने कहा कि चलें इसके साथ हम फिजिकल जो एडवर्टाइजमेंट है वो कर लेते हैं, हमने पंफलेट वगैरह बनवाए तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट करना जा रहे हैं, तो अभी मसला ये आ रहा है फेसबुक ऐड हमारे ब्लॉक हो गए हैं, मैं ये सोच रहा हूँ अगर मैं किसी दूसरे फेसबुक अकाउंट से ऐड चलाता हूँ वो भी 10-15 दिन बाद वो बंद कर देंगे, तो एक तो ये मसला है कि मेरे लिए मैं फेसबुक ऐड परमानेंटली कैसे, मुझे वो टैक्स वगैरह डिटेल्स या लीगल नेम मांग रहे हैं, और दूसरा इसके अलावा फेसबुक ऐड तो किसी टाइम भी वो बंद कर सकते हैं, इसके अलावा मुझे एडवर्टाइजमेंट के लिए कौन से सोर्सेज यूज करने पड़ेंगे, थोड़ा सा इसमें सर प्लीज गाइड करें। अच्छा, आपकी जो जो ऑनलाइन स्टोर है वो बेसिकली ऑनलाइन फार्मेसी है, एम आई राइट? यस सर। ओके, अच्छा आपका इशू ये है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तो yes, यार ये इशू जो है ना ये हर उस बंदे के साथ फेस होता है जो एड्स रन कर रहा है फेसबुक पर, ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग,
ठीक है, और इसका मतलब ये कि आप काम कर रहे हो, और क्योंकि ये हर बंदा इस चीज से गुजरता है कि उसके अकाउंट बंद होते रहते हैं। लाइक मैं अपनी बात अगर आपको करता हूँ तो पर्सनली मेरे कोई आई थिंक आधे दर्जन के करीब या एक दर्जन के करीब अकाउंट बंद हो चुके रहते हैं, हो चुके हैं, ठीक है। सो करना क्या होता है कि दिस इज पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें अभी नहीं आ रहा कि प्रोडक्ट्स ये अलाउ है या नहीं है सेल करना फेसबुक एड्स में, मैं जनरिक एक बात कर रहा हूँ कि जब आप फेसबुक में एड्स रन करते हैं ना, तो हर 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 कहते हैं ना कि एक 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 बिजनेस का एक यू नो एक असूल होता है या स्ट्रेटजी होती है, तो ऑलवेज मेक श्योर चंद चीजों का मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आपके पास कम से कम 3 जो है ना वो बैकअप में कार्ड्स होने चाहिए। पहली बात, यानी कि आपके पास क्योंकि आपका जिस अकाउंट में जो कार्ड लगा हुआ था वो कार्ड अब आप दूसरे अकाउंट में लगाएंगे तो वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है, तो वो कार्ड आपका जाया हो गया। मैं डेबिट कार्ड की बात कर रहा हूँ या जो भी क्रेडिट कार्ड था आपका, तो 3 बैकअप में कार्ड्स होने चाहिए आपके पास। और दूसरा ये है कि जब भी अकाउंट आपका ब्लॉक हो तो अगेन आपके पास बैकअप में वो भी होने चाहिए, डेबिट फेसबुक के जो है वो अकाउंट्स पे होने चाहिए बैकअप में मिनिमम। अच्छा, अब आपका अकाउंट जब ब्लॉक हो गया है तो उसका हल क्या है? हल यही है कि आप वही करें, अपील करें जो आपने करी है। अगर अपील में वो टैक्स की इंफॉर्मेशन वगैरह मांग रहे हैं, सो अगर आप अभी फिलहाल नहीं दे सकते तो मे बी क्रिएट अ न्यू एड अकाउंट, ठीक है। अब नया एड अकाउंट बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने ये जो एड अकाउंट आप बनाएंगे, आपने कोशिश करनी है कि आप मिसाल है अपने अगर एक घर से अपना एड अकाउंट बनाया था तो आप किसी दोस्त के घर जाके, मैंने कि मेरा मतलब ये कि नया इंटरनेट, ठीक है, नए इंटरनेट को यूज करके नया ईमेल होगा, लाजमी बात है, न्यू ईमेल, न्यू इंटरनेट, कंप्यूटर भी जब अकाउंट बना रहे हो तो कोशिश करेगा कि दूसरा हो, न्यू कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर भी दूसरा हो, एंड डेफिनेटली डेफिनेटली न्यू कार्ड, और आपका नाम भी वो नहीं होना चाहिए जो आपने यूज किया था पहले, तो कोई भी नाम हो सकता है, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जैसे अब्दुल्ला नाम है तो खालिद के नाम से आपने रख दिया, ठीक है, मिसाल के तौर पे अकाउंट बना दिया, बिजनेस मैनेजर बना दिया, तो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड डू। तो अकाउंट जब भी बंद हो, ये फेसबुक एड्स की आदत है, दे ऑलवेज डू दिस, लाइक 6 फिगर जो पैसे स्पेंड कर रहे हैं ना, दिन के 50,000 1,00,000 रुपए जो स्पेंड कर रहे हैं उनके अकाउंट बंद हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि महीने के मैं बात कर रहा हूँ 30-30 लाख रुपए ऐड में डाल रहे होते हैं, फिर भी अकाउंट बंद हो जाते हैं। क्या होता है कि हमने आपकी ये पॉलिसी वायलेट करते हुए देखी, हालांकि नहीं हो रही होती और वो गया अकाउंट, फिर आपको फिर क्या करना पड़ता है, नया अकाउंट बनाना पड़ता है, नया अकाउंट में काम करना पड़ता है। मैंने आपको अपनी एग्जाम्पल दी, हमारे भी अकाउंट्स बंद हुए, नया अकाउंट्स बनाए, उसमें काम होता है, फिर बंद हो जाते हैं, फिर नया अकाउंट्स में काम होता है, फिर होता है, दिस इज द नॉर्मल थिंग। अब दूसरा आपका सवाल ये है कि कौन सी दूसरे एडवर्टाइजिंग सोर्सेज है, तो ये बहुत जबरदस्त बात आपने करी, बिकॉज Never rely on one traffic source. ठीक है, आपका अगर ये अकाउंट बंद हो गया तो आपका बिजनेस स्टॉप हो गया है अभी, या बिजनेस से मतलब ये कि सेल्स कम हो गई, तो ऑलवेज ऑलवेज मेक श्योर कि आपके पास 2-3 ट्रैफिक सोर्सेज हो, ठीक है, कभी भी एक जो स्टूल है वो कभी भी वन लेग स्टूल नहीं होना चाहिए। तो आपके पास यूट्यूब एड्स है, ठीक है, तो यूट्यूब एड्स के ऊपर आप देखो, आप मिसाल के तौर पर अगर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप 1,000 रुपए फेसबुक एड्स में डाल रहे थे, तो व्हाट यू शुड डू इज कि आप यहाँ पे 700 रुपए करके यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग 300 रुपीज ऑन यूट्यूब एड्स जस्ट फॉर टेस्टिंग, सी के यार कौन से एंगल से, कौन सी ऑडियंस से, कौन से क्रिएटिव से, कौन से यू नो ऑब्जेक्टिव से मैं यहाँ पे सेल जनरेट कर सकता हूँ। हाँ, मे बी हो सकता है आपको मुश्किल हो यूट्यूब में सेल जनरेट करने में, मे बी, लेकिन यू कैन डू इट। तो यू जस्ट नीड टू यू नो मेक श्योर कि आपके पास 2-3 ट्रैफिक सोर्सेज हों। सिमिलरली यू नो आई हैवंट पर्सनली एडवर्टाइज ऑन टिकटॉक वगैरह, लेकिन डेफिनेटली यू शुड यू नो टिकटॉक एड्स भी जो है वो काफी यू नो सुनने में जो आ रहा है, मैंने अभी खुद नहीं किया तो पर्सनली आई कैन नॉट यू नो कमेंट ऑन इट, लेकिन आई हैव हर्ड के दे आर वर्किंग फॉर पीपल। सो अगेन टिकटॉक एड्स हो गए, ठीक है, फिर आपके पास गूगल एड्स हो गए, ठीक है, गूगल एड्स में खास तौर से डिस्प्ले एड्स हो गए, आपके लिए डिस्प्ले एड्स काम करेंगे, सो यू शुड ऑलवेज यू नो ट्राई डिफरेंट एड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है जी। जी ठीक है सर। तो सर दूसरा ये है कि मुझे IDM से एक प्रॉब्लम है, तकरीबन 2-3 माह तो ये डिसीजन लेते गुजर गए थे कि IDM को ज्वाइन करना चाहिए नहीं,
अब 6 महीने तकरीबन हो गए हैं, कोर्स कंप्लीट हो गया, लेकिन ये आईडीएम के जो यूट्यूब के एड्स है ना, ये नहीं खत्म हो रहे। 2 मिनट वीडियो चलती है और वो आ जाता है कि मैंने लास्ट मंथ ये इतने एक्सपेंसेस पूरे किए। ये एड दिस इज एक्चुअली अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, ऑलवेज रनिंग, ऑलवेज कीप ऑन रनिंग एड्स, यू नो, कीप ऑन रनिंग एड्स, कीप ऑन रनिंग एड्स। सो या दैट्स अ रिमाइंडर फॉर यू गाइस। Right. Thank you, sir. Thank you. Thank Most you. Most welcome. Most welcome. Thank you. Okay, so I'm just going to take one or two more because मैं बिल्कुल मेरी हालत खराब हो गई है, थक चुका हूँ, और फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ, फिर आप लोग अपना माइक खोल लीजिएगा, जैसे खोल रहा हूँ। ये जो शीट मैंने आपको दी है ना, जैसे कुछ स्टूडेंट से भरना शुरू कर दिया है, उनीब ने भरा है, तो आप लोग ये काम करिएगा कि इसमें आपने भरनी है शीट को, ठीक है? एंड आई वुड लव टू सी similar faces on next Wednesday as well. So inshallah hamara next Wednesday ko jo ye session hoga, main ye chahunga ki aap log isko attend karo, because inshallah isse aap logon ko seekhne ka bhi mauka milega, learning bhi hogi, aur inshallah hum isko session ko aur behtar bhi banate rahenge, right? We'll keep on improving the session, theek hai? So that is one thing that I want to discuss. Baki ye hai ki agar aapko koi question hai, koi banda ek ya do aur apna mic kholna chahte hain to wo सर, एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे पूछना था, वही बैग से रिलेटेड, क्योंकि आपने ये काम किया हुआ है, तो आप, क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा सा होता है, तो आप पैकेजिंग इसकी किस तरह करके कस्टमर तक मतलब पहुंचाते थे, मुझे थोड़ा सा ये पूछना था। इट्स वेरी सिंपल, आप इसके आप बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आपके पास एक होता है, इसको आप बोलती है खाकी बैग्स होते हैं, यू नो, आई एम नॉट श्योर उसका सही वर्ड क्या होगा, ऊपर हैंगर होता है, होता है वो, एग्जैक्टली पेपर बैग्स, वो 25-30 रुपए के मिलते हैं होलसेल में ना, सो यू कैन यूज दोज एज वेल, ठीक है ना? आपने उसमें डाल के उसको प्रॉपर पैक करा, जो जो पेपर टेप होता है उससे बांध के, यू कैन डू दैट। आप अपने भी प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन वो बाद में करिएगा, अभी नहीं, तो पेपर बैग्स यूज कर सकती हैं। यू कैन यूज सिंपल थैंक यू शॉपर्स एज वेल, रियली, आई मीन आप स्टार्टिंग में ये भी कर सकते, थैंक यू के प्लास्टिक के शॉपर्स आते पड़े से, यू कैन यूज दैट एज़ वेल, डजंट रियली मैटर। सर, वो भी कस्टमर पे कोई उसका इंपैक्ट तो नहीं होगा कि वो जो पैकेजिंग, आप भी स्टार्टिंग में चीजों की फिगर ना करिए, स्टार्टिंग में जस्ट फोकस ऑन गेटिंग द ऑर्डर्स, ठीक है? ऑर्डर्स लाने की फिगर करिए, सेल्स करने की एड्स में, पैकिंग वगैरह जितना आसानी से जो कर सकती है वो करिए, कि एज यू मूव ऑन, एज यू ग्रो, एज आपकी सेल्स बढ़ रही है, फिर वो चीज पर आप इन्वेस्ट करें, फिर अपनी पैकिंग में आए, फिर पेपर बैग्स में आए, फिर प्रिंटेड बैग्स में आए, फिर अपना ब्रांड उसमें छपवाए, लेकिन वो सब बातें मुझे सिर्फ ना ये थोड़ा सा फील हो रहा था कि जो पेपर बैग है किसी भी किस्म का, लाइक सिंपल यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम किसी भी लेपर्ड या टीसीएस वाले को देंगे तो वो फिर उसी तरह से कैरी करके, उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो, क्योंकि बॉक्स चीज तो है नहीं, पैक नहीं है, वो उसी तरह से कैरी करेंगे, और वो नहीं, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज उनको सिर्फ एक उससे गर्ज होती है, जो एक स्लिप लगती है उस बैग के ऊपर ना, जिससे वो ट्रैक कर सकते हैं आपके पार्सल को, तो वो लगा हुआ है, as long as वो है, तो there is no worries about it. ठीक है, thank you sir. Okay. ठीक है guys, तो I guess हम इसको, I'm so sorry अगर किसी का यहाँ पे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था और रह गया हो, I apologize for that, लेकिन टाइम काफी ऊपर हो गया, एंड आई बिलीव सबको भी अब यू नो अब आराम करना होगा, सो थैंक यू सो मच, यू नो, कि आप लोग आए, और मुझे बहुत अच्छा लगा इससे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ इससे सीखने का मौका मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर मुलाकात होगी, तो मे बी पार्टिसिपेंट ज्यादा हो, तो हम इसमें जो है ना करेंगे वही जो आप सब लोगों को मैं बोल चुका हूँ, कि ये स्प्रेडशीट अगर आप फिल आउट कर लोगे तो मैं पहले उन लोगों के सवाल लूंगा जो इन लोगों ने यहाँ पे फिल किया होगा, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, हो सकता है कुछ लोग नए पार्टिसिपेंट्स हो, उनको मैं नहीं दे सका हूं। तो जिनके पहले ये गूगल शीट्स होंगी, तो हम सबसे पहले यहाँ पे वन बाय वन गूगल शीट से चलेंगे, ठीक है? और फिर जब गूगल शीट खत्म होगी, फिर हम रैंडमली जो है ना, फिर वो माइक खुलवाएंगे, ठीक है? तो ठीक है जी, जी अच्छा, आप सवाल कर रहे हैं, खोलें माइक, खोलें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है सर। अच्छा सर, वो ऑनलाइन स्टोर जो है ना, मैंने खोला है अपना, बेल्ट्स का काम है ना मेरा, और फेसबुक के अंदर और इंस्टाग्राम के अंदर मैंने एड्स भी रन किए हैं,
लेकिन उनके अंदर जो ना मुझे वो रिजल्ट नहीं आया, और मतलब सर समीर की जो क्लास ली थी हमने उसके अंदर सर समीर ने बताया था कि आपको मिनिमम बजट जो है ना आपका 50,000 होना चाहिए। कितना? 50,000? 50,000 ओके, पर मंथ? पर मंथ ओके। तो सर 50,000 बजट तो नहीं था मेरा, तो मेरे ख्याल से शायद इस वजह से नहीं आया। और दूसरा ये कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दूसरे बंदों के लिए जो है ना काम करना पड़ेगा फेसबुक एड्स के लिए, तब जाके मैं इसके अंदर मास्टर होऊंगा, क्योंकि मुझे फेसबुक एड्स बहुत पसंद आए हैं, गूगल एड्स बहुत पसंद आए हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह एसईओ, ये चार चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। दूसरा ब्लॉगर, ब्लॉगर भी हूँ मैं, ब्लॉगिंग भी करता हूँ थोड़ी बहुत ही, तो ये चक्कर है। अब जॉब के लिए जब मैंने अप्लाई किया ना सर, तो उसके अंदर वो मुझसे मांग रहे हैं एक्सपीरियंस। मैं अब तक जो है ना वो 100 से ज्यादा जगहों पे अप्लाई कर चुका हूँ, सारे मांग रहे हैं एक्सपीरियंस। मैं जॉब करने वाला बंदा हूँ सर, 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है कस्टमर केयर यानी कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव का ना, तो इस वजह से मैं फ्रीलांसिंग का मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे मैंने सुना है कि जी आज आपके पास क्लाइंट आया है, हफ्ता आपको बैठना पड़ेगा, क्लाइंट दूसरे क्लाइंट का इंतजार करना पड़ेगा। तो जब मैंने ये चीज सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं फ्रीलांसिंग के अंदर जो ना अपना करियर नहीं बनाऊंगा। उधर मैंने वैसे 2 गिग बनाई हुई हैं, हालांकि हमारा फ्रीलांसिंग का अभी वो मॉड्यूल नहीं आया, तो लेकिन उधर भी इंप्रेशंस आए हैं, क्लिक्स नहीं आए, तो वो मैंने फिर ये सोचा कि मुझे जॉब करनी चाहिए। अब जॉब वो मांग रहे हैं एक्सपीरियंस, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक्सपीरियंस किधर से लेकर आऊं जब काम ही मैं कर ही नहीं रहा। समझ रहे मेरी बात को आप? मैं समझ गया आपकी बात को। देखें आपने ना मार्केट को थोड़ा समझना है। 2 सवाल है आपके, एक आपका ये ऑनलाइन स्टोर का सवाल है, दूसरा आपका जॉब का सवाल है ना। तो देखिए सबसे पहले तो हम आते हैं आपके, चले जॉब में आ जाते हैं। तो जॉब में जो है ना, जाहिर सी बात है हर कोई जो है ना वो आपसे मांगेगा यू नो कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा या हर कोई ये पूछ रहा हो कि आपने जॉब कहाँ पे की है पहले, ठीक है, देयर इज अ बिग डिफरेंस। वो ये देखना चाहता है एम्प्लॉयर के क्या आपको, वो ये पूछते क्यों है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फॉर अ व्हाइल, ठीक है, थोड़ा सा एम्प्लॉयर की मेंटालिटी को समझिए। दे आस्क दिस पास्ट एक्सपीरियंस बिकॉज दे वॉन्ट टू नो कि आपको काम वाकई में आता है या नहीं आता है, दिस इज वॉट दे एक्चुअली वॉन्ट टू सी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उनको पता है कि अगर पीछे काम करके आ रहा है बंदा, 2-3 कंपनियों में है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है उसको, कुछ ना कुछ आते होगा, तभी उन लोगों ने रखा था। Now, since you do not have that, you can create your own experience. ठीक है, आप खुद अपना एक्सपीरियंस बनाए यार, ठीक है, no one is stopping you from that. और यहाँ पे मैं आपको अपनी भी एग्जाम्पल दूंगा लेकिन वो बाद में दूंगा। आपने खुद अपना एक्सपीरियंस बनाना है, ठीक है। आप क्या करो कि आप अगर मिसाल है आप SEO की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, मुझे नहीं पता, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, SEO की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो यार, आप वेबसाइट्स बनाओ एंड रैंक देम ऑन गूगल, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप SEO की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो एम्प्लॉयर इंटरव्यूअर है वो ये देखना चाहता है कि आपके पास स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है कि आप उनकी वेबसाइट को गूगल के टॉप में रैंक कर सकोगे, राइट। सो अगर आप उनको ये शो कर दोगे कि यार सर दीज आर वेबसाइट नंबर 1, दिस इज माई वेबसाइट नंबर 1, दिस इज वेबसाइट नंबर 2, दिस इज वेबसाइट नंबर 3, आप अभी लैपटॉप में खोलें इनको जाके देखें, they are ranking for keyword number 1, keyword number 2, keyword number 3, this is what they want to see, ठीक है। तो आपने experience और जो आपने portfolio है वो खुद बनाना है। अब मैं आपको अपनी एक example देता हूँ। जब मैंने अपना career का आगाज किया था, शुरू की बात है, मैंने कहीं पे कभी भी full time कोई भी salary नहीं ली, always remained unemployed अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन the point is मैंने एक जगह apply किया था, ठीक है, बहुत पुरानी बात है, और उस वक्त मैं मेरी अपनी एक डिफरेंट वेबसाइट थी और उसमें मुख्तलिफ जो है ना मैं अपनी कंटेंट शेयर करता था, वीडियोस बना के कि यार दिस इज हाउ यू कैन रैंक ऑन SEO, दिस इज हाउ यू कैन रन फेसबुक एड्स, दिस इज हाउ यू कैन डू दिस एंड दिस एंड दिस। जब इंटरव्यू के लिए गया था, ठीक है, अच्छी खासी बड़ी कंपनी थी, जॉब मैंने करनी नहीं थी कि किसी वजह से मुझे जाना पड़ा, गया था, तो आप यकीन करो उस इंटरव्यू में सबसे पहला जो सवाल था एक्सपीरियंस का, तो मैंने उनसे ही बोला था कि सर यू नो एक्सपीरियंस, आई डू नॉट हैव एनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, बट यू कैन ओपन अ वेबसाइट एंड चेक आउट द स्टफ दैट आई हैव यू नो
been doing for the last, you know, let's say 3 years. उस बंदे ने मेरी वेबसाइट खोली एंड दैट इंटरव्यूअर, यू नो, उसके और मेरे दरमियान तकरीबन कोई 15 मिनट का साइलेंस था एंड ही वाज जस्ट स्क्रॉलिंग वाचिंग माय वीडियोस सीइंग व्हाट आई डिड फॉर माय क्लाइंट सीइंग व्हाट आई डिड फॉर माय ओन ब्रांड. वो खाली वो देख रहा था देख रहा था देख रहा था. उसके बाद यू नो चंद से 2-3 सवाल पूछे. अगले दिन मैं वापस हो गया. अगले दिन या 2 दिन बाद कॉल आ गया, वी हायर्ड यू. ठीक है, वो अलग बात है, मैंने जॉब करनी भी थी किसी वजह से, मैं किया जाना पड़ा था मुझे. लेकिन द पॉइंट ऑफ द मैटर इज they do not need to know ki aapko experience kya, they just need to know ki you know the stuff. theek hai, so aap jis cheez ke liye bhi apply kar rahe ho, digital marketing mein seo ke liye kar rahe ho, create websites, rank them on google, show them, facebook ads ke liye kar rahe ho, run facebook ads, show them ki yaar these are the 10 facebook ads creatives I've created aur ye mujhe results mile, and I can do this for you, the same thing jo main apne liye kar raha hu pichle 2 saal se, right? confidence and you know your own portfolio. theek hai, that's one thing. दूसरा जो आपने ऑनलाइन स्टोर का बोला, तो ऑनलाइन स्टोर में यार आपको रिजल्ट्स मिलने चाहिए, क्यों नहीं मिल रहे, तो इसके लिए बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत सारे काउंटर सवाल मेरे होंगे. तो आप मुझे एक काम करें, आप मेरा ये ईमेल लिखें shoaib@idmpakistan.pk, आगे idmpakistan.pk, ठीक है, उसमें आपने मुझे स्क्रीन शॉट भेजें कि जो आपने कैंपेन्स रन करी है, पहली बात. और बिल्कुल एड सेट की भी स्क्रीनशॉट में चाहिए, और जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बने उसके स्क्रीनशॉट चाहिए, प्रोडक्ट पेजेस के स्क्रीनशॉट चाहिए कि वो एड्स जो जा कर रहे हैं. गलती 2-3 जगह पे ही होती है अगर आपकी सेल नहीं हो रही है. तो गलती क्या होगी, मैक्सिमम यही होगी कि या तो आपकी वेबसाइट में ऑडियंस सही नहीं आ रही, आप सही लोगों को एड नहीं दिखा रहे हो, ठीक है, या मे बी आपका जो प्रोडक्ट है उसमें वो इतनी अच्छी यू नो नहीं है. ठीक है, दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम है. ठीक है, यू जस्ट नीड टू फिक्स दीज प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो ऑडियंस को हम फिक्स करेंगे, प्रोडक्ट को हम फिक्स करेंगे, प्रोडक्ट की इमेज को हम जबरदस्त धासू सी इमेज हम बनाएंगे उसकी, प्रोडक्ट की क्रिस्प एंड क्लियर पिक्चर होनी चाहिए. ठीक है जी, और जिस वेबसाइट में वो आप लैंड करवा रहे हो वहां पे प्रॉपर ऑप्टिमाइज होना चाहिए, मोबाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, प्रॉपर उसके कन्वर्जन फोकस होना चाहिए, अबव द फोल्ड का बटन होना चाहिए, बाय नाउ बहुत सारी चीजें होती है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू मेकिंग द सेल. सही है जी, ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स, आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन. ठीक हो गया सर, बिल्कुल क्लियर हो गया मुझे. अच्छा सर, यानी आप जो जॉब वाला जो आप कह रहे हैं, वो आप कह रहे हैं कि जो आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, अब मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ कर रहा हूँ, वो एक कंटेंट राइटर है, बकाया सारा सब काम जो है वो मैं संभालूंगा, कंटेंट वो लिखेगा, तो वो इसका मतलब ये है कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अभी उसके अंदर चलना चाहिए, क्योंकि पेशेंस मेरे अंदर बहुत है. ठीक है, तो उसके अंदर मुझे चलना चाहिए, और जब वो रैंक हो तो बाद में मैं बताऊं कि यार ये सर जॉब करने का जो मेन मकसद है ना, वो ये है कि मैं इसके अंदर जो है ना, मैं इन स्किल्स को जो है ना, यानी काफी मजबूत बनाना चाहता हूं अपनी, समझ रहे हैं मेरी बात. ठीक है, गुड है, ये good ये मेरा मकसद है मेन, तो इसलिए जो है ना ये सोच रहा था मैं ना. बिल्कुल ठीक है यार, आई मीन परफेक्ट है. अब हर बंदे का अपना वो होता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अगर आपको इस तरह तो बिल्कुल बेहतरीन है, और अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे. और डेफिनेटली वर्क ऑन एफिलिएट, जब भी आपकी वेबसाइट पे आप काम करो एफिलिएट वेबसाइट पे, कीप ऑन वर्किंग, पेशेंस आपके अंदर है तो ये तो बहुत अच्छा काम है आपके लिए, एफिलिएट मार्केट, कीप ऑन वर्किंग. ठीक हो गया सर, मैं आपको ईमेल करता हूँ वो स्क्रीनशॉट्स. श्योर और sure, सर अभी sure, एक please. भाई का सवाल आया था कि उनका एड का वो फेसबुक का जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया उन्होंने ना, उन्हें रिव्यू भेजा है, तो वो लीगल नेम वगैरह मांग रहे हैं. अच्छा मैं भी इससे जो ना गुजरा हूँ, तो मैं अगर उसको आंसर करना चाहूँ तो बिल्कुल करें यार, दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड. अच्छा सर, उसके लिए होता ये है कि सबसे पहले तो मैं जो ना, यानी पंगे लेने वाला बंदा हूँ, मैंने इसके अंदर बहुत यानी पहले कोई जो चीज वो मांग रहे थे ना, वो चीज मैंने उनको दी नहीं, अलग अलग चीजें देता रहा. यानी FBR की वो मांग रहे थे, कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, मैं उनको FBR का जो ना वो देता रहा सर्टिफिकेट. उन्होंने कहा नहीं, कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए. फिर 4-3 महीने मुझे इस प्रोसेस में लग गए. वो क्यों लगे, जब फेसबुक ने पहले मुझे फेसबुक दे रहा था जल्दी जवाब, जब उन्हें देखा यार ये तो हमारे साथ ड्रामे लगा रहा है, फिर वो 2-3 हफ्ते बाद जवाब देने लगे. और सर समीर ने मेरी इसमें बहुत हेल्प की. तो अब कंक्लूजन ये है कि भाई SCCP की आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, 2-2,500 में की आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है. ठीक है, उधर से आपने रजिस्टर करवानी होगी, वहां से फिर उसके बाद अब या तो कोई कंसल्टेंट ले लें आप, या तो आप SCCP के जो आपके शहर के अंदर करीब है ऑफिस, उधर चले जाएं, वहां पे उनके अंदर फंस जाएं,
कि भाई मुझे करनी है कंपनी रजिस्टर, वहां पे बैठे रहें, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा फिर जब यहाँ से आप करवाएंगे, फिर उधर फेसबुक के अंदर जब सबमिट करेंगे सारी चीजें, अच्छा वो SECB से जब आप करवाएंगे FBR के साथ भी जो ना आपकी डायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है, वो बन जाएगा आपका, क्या कहते हैं उसको, टैक्स पेयर जो होता है वो भी आपका बन जाएगा। तो आप पहले आपसे SECB का मांगेगा फेसबुक, लीगल नेम वगैरह सारा मांगेगा, फिर आपसे वो FBR का सारा वो मांगेगा, यूटिलिटी बिल मांगेगा, फिर ईमेल एड्रेस मांगेगा। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट का नाम है वेस्ट्रिंग, तो वो मांगेगा जी info@wastring.com, इस तरह का ईमेल, उधर आपकी सिक्योरिटी कोड आएगा, वो आपने डालना है। अच्छा एक चीज और, जो लीगल नेम आपने कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के अंदर SECB से जब करवाया है, वो तो डाला हुआ होगा ना, वो आपकी वेबसाइट के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, वो यानी उसके अंदर होना चाहिए वो यानी इसका मतलब ये नहीं है कि डोमेन नेम चेंज हो, उसके वेबसाइट के अंदर वो नाम होना चाहिए कि इसका जो ये जो ईमेल्स आपको आती है ना उसकी तरफ से, वर्ड फैंस की तरफ से कि वेस्ट्रिंग की ये ईमेल आई है, वो आनी चाहिए वेस्ट्रिंग SMC प्राइवेट लिमिटेड लिख कर आनी चाहिए, वो वाला उधर उधर नाम फिट होना चाहिए आपका। तो ये इस चीज को मेक श्योर करिएगा, और आपका टोटल 15-20 दिन के अंदर हो जाएगा ये सारी चीजें करके, फिर ही उसको वेरीफाई के बटन को दबाइएगा, उससे पहले ना दबाइएगा, वरना फेसबुक आपको बहुत लेट जवाब देगा कि यार ये तो मेरे साथ ड्रामे लगा रहा है, ये सोच के जो जो मेरे साथ हुआ है। सेट हो गया, चलें गुड है, आपने उनकी हेल्प करी, थैंक यू भाई। चलें ठीक है जी, चलें इस सेशन को हम एंड करते हैं, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन पे मुलाकात होगी, ठीक है। और ये आपके पास शीट आ गई है, प्लीज मेक श्योर टू फिल द शीट, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम और स्टूडेंट्स भी इंशाल्लाह ऐड करेंगे, कुछ पुराने स्टूडेंट्स, कुछ नए स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह दिस विल कीप ऑन ग्रोइंग, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी फिल करेंगे तो फिर आपके सवाल पहले इंशाल्लाह आंसर हो जाएंगे, एंड देन वी मूव ऑन टू द यू नो रैंडमर्स, ठीक है। तो अब मुझे इजाजत दें, आप लोग भी आराम करें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे से, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।